हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हैं और प्रिपरेशन अच्छी चल रही है. सो दिस इज माई सेल्फ हर्षद जालानी एंड आई एम लाइव हियर फॉर यू ऑल. एंड आज हम बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक. एक बार सब लोग यस बोल दो. हाय एवरीवन, हेलो एक बार बोल दीजिए कमेंट सेक्शन में ताकि मुझे पता लग जाए यू आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल. ठीक है, तो हम लोग आज का सेशन बड़ा अच्छे से स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छी स्टार्टिंग लेते हैं एंड विद द 3000 क्वेश्चन पार्ट 7. ठीक है, कोशिश करते हैं आज के क्वेश्चन सेट में आपके सारे क्वेश्चन करेक्ट हो मेरे हिसाब से एंड यू विल ऑल विल बी गोइंग टू सक्सीड इन दिस सेशन. है ना, मतलब सब कुछ एकदम अच्छा करेक्ट आपका रहे आज के सेशन के अंदर. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आप लोगों के लिए. एंड मैं आपको अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाता हूँ जहाँ पे आप लोग आके मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं हर एक सेशन, जिसके थ्रू आप लोगों की परफॉर्मेंस और मेंटरशिप हर एक चीज़ मिलेगी इस प्लेटफॉर्म पे. सपोज इफ यू हैव समहाउ मिस द वीडियो, इफ समहाउ यू आर गोइंग टू मीन्स आप क्लास नहीं ले पाए, हर एक चीज़ हर एक कोर्स के लिए कंप्लीटेड कोर्स हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है. ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे आए और पढ़े, डेली क्लासेस अटेंड करें ताकि आपकी प्रिपरेशन को विदाउट एनी हार्म यू आर गोइंग टू सक्सीड इन द एग्जाम. ठीक है, प्लस इसी के साथ आपको मैं अपना कंप्लीट मटेरियल भी प्रोवाइड कर दूंगा जो कि प्योर बेस्ड ऑन कोटा. एंड आपको करना क्या है इन सबके लिए, अन अकेडमी बेस्ट इंडियाज का लर्निंग ऐप है, इसको इंस्टॉल करें और जाना है गेट सब्सक्रिप्शन पर. देर आर द डिफरेंट प्लान, अगर आप देखेंगे 1 month, 3 month, 6 month, 12 months एंड 1 year, 2 years प्लान. सो हर एक प्लान की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है. अगर आप कॉस्ट वाइज इनको रेट करें तो ये 5400 का है और 2 years का जस्ट 32400 का है, तो मीन्स इट्स वेरी वेरी लेस. ठीक है, एक अगर आप 2 साल का प्लान लेते हैं तो इट्स लेस देन योर जियो रिचार्ज ऑल्सो. तो यूज द कोड एच जे लाइव. ठीक है, एक तो 10% डिस्काउंट मिलते ही, इंस्टेंट डिस्काउंट मिलते ही आपका कोर्स फी हो जाएगा 25,000, 32,400 फॉर 2 ईयर्स पीपल एंड फॉर 1 ईयर यू आर गोइंग टू हैव 27,000. तो ये सब प्लान्स हैं जिनके थ्रू आप आके ज्वाइन कर सकते हैं इन सेशंस को एंड यूज द कोड एच जे लाइव, जिससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, और हम लोग स्टार्ट हो जाएंगे पढ़ना. ओके, एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का कंप्लीट कोटा का स्टडी मटेरियल आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा एंड यू जस्ट नीड टू पिंच मी ऑन दिस नंबर. ठीक है, सो एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर. तो एवरीवन इज रेडी, ये मेरे करंटली कोर्सेज चालू हैं जिनको आप लोग आके ज्वाइन कर सकते हैं. तो हर एक जना रेडी है यहाँ पे. हम लोग स्टार्ट करें अब अपना सेशन आज का, क्वेश्चन करने के लिए स्टार्ट करें. और इतनी कम अटेंडेंस से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, जल्दी से लाइक और शेयर करके अपने अपने दोस्तों तक, अपने अपने पे इन सभी बच्चों को बुला लीजिए आपके दोस्तों को, ताकि हम लोग आज का सेशन बिगिन करते हैं. ठीक है, पेन और पेपर लेके बैठना भाई सब लोग, ताकि अच्छा रहता है. ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू ऑल. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. ये मैंने मार्कर ले लिया है आपके सामने. ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने. ओके, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर H2 बिहेविंग एज अ रियल गैस इज व्हाट? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर अ गैस बिहेविंग एज अ फॉर H2 बिहेविंग रियल गैस इज व्हाट? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज 1:1, 1 माइनस ए बाई आर टी वी, 1 प्लस पी बी बाई आर टी या आर टी बी बाई 1 माइनस वी, क्या होगा? जल्दी से बताओ आंसर इसका. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर H2 बिहेविंग एज अ रियल गैस इज व्हाट? हाउ मच इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? ए बी सी या डी? H2 की बात कर रहा है बच्चों. H2 H2 के केस में ए की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो होती है. इफ यू रिमेम्बर, ए की वैल्यू सबसे जीरो होती है, एकदम जीरो होती है. ठीक है, तो देखो पी प्लस ए बाय वी स्क्वायर होता है और ये होता है वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी होता है. समझ आई बात? तो ए ए ऑप्शन बता रहा हूं मैं. तो ए की वैल्यू तो जीरो हो गई एच टू स्मॉल साइज के कारण, ए की वैल्यू तो एकदम जीरो हो गई. तो यहाँ पे अगर आप इसको आगे फर्दर ऑन सॉल्व करोगे तो पी वी माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी, पी वी माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी, और पी वी बाय आर टी को ही अपन जेड बोलते हैं. ठीक है, तो पी वी को क्या बोल दूंगा मैं? पी वी प्लस आर टी. पी वी को बोल दूंगा पी वी प्लस आर टी, और आर टी से डिवाइड मारेंगे तो अपन को जेड मिल जाएगा. जेड इज इक्वल टू 1 प्लस पी वी बाय आर टी. अंडरस्टूड द पॉइंट? तो अब आंसर क्या आया? अब आंसर क्या आया? सी आया ना. गलती क्यों हुई? आया, जिस जिसका भी गलत हुआ था उसको समझ आ गया.
ए की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो होगी, ए की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो होगी, या ए की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. अंडरस्टूड द पॉइंट? ए की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इट कम्स आउट टू बी जीरो. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सी ऑप्शन. क्लियर है जी? एकदम सही, एकदम सही. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बताएं, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बताएं, सेकेंड को सॉल्व करें सारे बच्चे. इक्वेनिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट? इक्वेनिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट? आर्टिफिशियल स्वीटनर, ट्रैंकलाइजर, एंटीफर्टिलिटी ड्रग्स, एंटिस्थमाइन. सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर बताएं इसी सेकेंड. इक्वेनिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर यू ऑल? ए बी सी या डी? इक्वेनिल आपके हिसाब से यहां पे किसका एग्जाम्पल है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड है, वेरी गुड है जी. बी ट्रैंकलाइजर का एग्जाम्पल है, बी इज द आंसर, है ना? बी विल बी द आंसर, ट्रैंकलाइजर. अब ये तो मतलब याद होना चाहिए, आपको याद होगा, सारे के सारे फ्यूचर डॉक्टर्स प्रेजेंट है. चलिए नेक्स्ट बताएं, थर्ड और फोर्थ. पहले थर्ड का आंसर, थर्ड को डिस्कस करते हैं. ये बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विद इंक्रीजिंग इन अटोमिक नंबर इन कार्बन ग्रुप 14. मतलब इंक्रीज इन अटोमिक नंबर के साथ क्या क्या हो सकता है ना? ग्रुप में बात कर रहे हैं, ग्रुप में, ठीक है? तो ग्रुप में बात कर रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी. एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, आयनाइज कैरेक्टर इंक्रीजेस. तो क्या क्या आंसर हो सकता है आपके हिसाब से? और बी आंसर होगा ना, बी आंसर, बी विल बी द आंसर, करेक्ट. बी विल बी द आंसर, करेक्ट है. क्यों होगा बी? देखो देखो देखो, समझो इस बात को. काशी गए संत प्रभु, आपको पता है ना यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है. तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है. वैसे कार्बन को देखा जाओ तो प्लस फोर, चार ही बॉन्ड बनाता है तो, पर जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते हैं ये पी भी प्लस टू में ज्यादा स्टेबल रहता है. तो द स्टेबिलिटी ऑफ दिस विल गोइंग टू इंक्रीज, बी इनर्ट पेयर इफेक्ट, करेक्ट. नेक्स्ट फोर्थ पे आते हैं. MgO crystallizes as a rock salt, the nearest oxide ions in this will be, मतलब MgO is similar to what? MgO is similar to what? NaCl. भाई रॉक सॉल्ट है तो MgO is similar to what? Your NaCl. तो ये पूछा गया है कि इसका nearest oxide, the number of nearest oxide ion to Mg sir, O minus 2 के आसपास कितने Mg plus 2 होंगे, ये पूछा गया है, बताएं. फोर्थ का आंसर पूछा है, फोर्थ का. MgO crystallizes as a rock salt, the number of nearest ions to Mg plus 2 ions will be what? A, B, C या D? A, B, C या D? क्या होगा भाई आंसर इसका? सी होगा ना यार, NaCl, NaCl, NaCl क्या होता है? एक Na प्लस 6Cl माइनस को घेरता है, एक Na प्लस 6Cl माइनस को घेरता है, एक Na प्लस 6Cl माइनस को घेरता है, यस और नो? हर जगह Cl माइनस Na प्लस के आसपास हर जगह Cl माइनस आ जाता है ना. तो वैसे ही MgO ऑक्साइड के आसपास भी Mg, Mg, Mg आ जाएंगे तो 6 आएगा ना, 6 विल बी द आंसर. नेक्स्ट फिफ्थ, ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये कौन सा ड्रग है? चलो स्ट्रक्चर दे दी, अब ड्रग बताओ. क्लोरम फेनिकॉल, वेंकोमाइसिन, पेनिसिलिन, कौन सा ड्रग है इनमें से? ये कौन सा ड्रग है, ये जो स्ट्रक्चर दे रखी है ये कौन सा ड्रग है? पेनिसिलिन, ऑक्सोफ्लोन, आप तो ये याद होगा, ये तो डॉक्टर हो आप सब, ये तो फटाफट बता दोगे, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है. कौन सा ड्रग है ये, सोचे? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. सी हो जाएगा ना, पेनिसिलिन भाई डॉक्टर्स, पेनिसिलिन इट इज, पेनिसिलिन इट इज, ठीक है. What it will be your penicillin, it will be your penicillin. Understood the point? जी, एकदम सही. चलिए next बताएं, next बताएं. तो fifth तो हो गया, sixth बताएं,
सिक्स में क्या पूछा गया है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन इस परसेंटेज में, ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन टू, देन द वेट ऑफ कैल्शियम इन 4 ग्राम, देन द वेट ऑफ कैल्शियम इन 4 ग्राम, एक बार इसको, हाँ अब ठीक है, देन द वेट ऑफ कैल्शियम इन 4 ग्राम ऑफ अ सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फाइंड अनादर, फाइंड अनादर व्हाट, फाइंड अनादर फ्रॉम अनादर बी, क्या होगा इसका आंसर भाई? कैल्शियम का आपको परसेंटेज है 40/100 है, दैट विल बी 40%, और अगर इसको 4 ग्राम के साथ मिक्स करेंगे तो उसमें कितना हो जाएगा, 1.6 ग्राम हो जाएगा, 1.6 ग्राम हो जाएगा। अगर 100 ग्राम में 40% है तो 1.6 के हिसाब से निकल जाएगा, 4 into 4 1.6, दैट विल बी इजीली। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट बता सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, द स्मॉलर द गोल्ड नंबर ऑफ लाइओफिलिक कोलोइड्स द लार्जर विल बी इट्स प्रोटेक्टिव वैल्यू, द लार्जर इज द लाइओफिलिक कॉन्ट्रैक्ट्स कोएगुलेशन ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट्स, FeCl3 सॉल्यूशन इज यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग, द फ्लॉकुलेटिंग वैल्यू ऑफ अर्सेनाइज सल्फाइड सोल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आयंस, क्या आंसर सही हो सकता है आपके हिसाब से? सोचें, ये आपके सामने ऑप्शन है 7th के, ए बी सी या डी, कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं आपके हिसाब से इनमें? सोचें जल्दी से, सारे बच्चे आंसर बताएं, ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है या डी करेक्ट है? ए बी सी या डी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट वन? द स्मॉलर द गोल्ड ए डी बी, बी हो जाएगा, सेकेंड इज इनकरेक्ट, द लाइओफिलिक सॉल्ट्स आर स्टेबल, दे डोंट इजीली कोगुलेट इजीली, बी विल बी द आंसर, नॉट ए, बी विल बी द आंसर, देख लेना एक बार अच्छे से पढ़ना। 8, स्कैंडियम प्लस टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक एज वेल एज कलर्ड, इसके बारे में अपन ऑल भी पहले डिस्कस कर चुके हैं, इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक भी हो कलर्ड भी हो। तो पैरामैग्नेटिक, पहले तो ये देखना पड़ेगा हमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ पे हैं, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल गए मतलब कलर्ड आ जाएगा, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ढूंढ लो कौन सा पैरामैग्नेटिक है। तो कॉपर प्लस है, कॉपर प्लस टू है, कॉपर प्लस टू है, स्कैंडियम प्लस थ्री है, जिंक प्लस टू है, बताएं क्या होगा भाई? कॉपर को आप जानते हैं एक्सेप्शनल कॉन्फिग्रेशन होता है 3d10 4s1, ठीक है, तो अगर प्लस वन में होगा तो 3d10 बचेगा, और प्लस टू में हो जाएगा तो 3d9 बच जाएगा, प्लस टू में हो जाएगा तो 3d9 बच जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा ना, बी विल बी द केस जिसमें भाई जिंक प्लस टू कहीं से भी नहीं हो सकता, 3d10 4s2 होता है। स्कैंडियम प्लस थ्री की अगर बात करोगे तो स्कैंडियम 3d1 4s2 हो जाएगा, तो ये भी पेयर्ड हो जाएगा, तो बस आंसर आ गया आपका बी, कॉपर प्लस टू। ठीक है, लास्ट में सारे बच्चे मुझे स्कोर बताएंगे, है ना, ऑनेस्टली जो जो जितने भी गलत मेरे हिसाब से सबके कम ही जाएंगे, तो जितने भी क्वेश्चन गलत जाए उनका काउंट रखना अपने अपने पास, फिर मैं एग्जैक्ट स्कोर बताता हूँ आपको कितने लाने चाहिए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 9th, द दिस इज द रिएक्शन, द नेम ऑफ दिस रिएक्शन विल बी व्हाट, इस रिएक्शन का नाम क्या है, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? ए बी सी या डी, कॉपर है, कॉपर का सॉल्ट है और HCl है, बी हो जाएंगे ना, दिस विल बी गेटम है ना, और अगर कॉपर क्लोराइड होता और वो होता तो वो फिर सेंडमेयर हो जाती, CuCl का सॉल्ट होता, तो दिस इज गेटम एंड रिएक्शन, बी नेम रिएक्शन है यार, सिंपल सी। ठीक है, ये इक्वेशन है, इन दिस इक्वेशन यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ, यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ केपी बाई केसी, केपी बाई केसी का आपने रेशियो निकालना है, केपी बाई केसी का रेशियो निकालना है इस इक्वेशन में, ये भी है गैस, ये भी है गैस और ये भी है गैस, सब गैसेज हैं, तो इनमें केपी बाई केसी का रेशियो निकालो,
केपी बाय केसी का रेशियो निकालो इन सब में, सब गैसेस है ना, सारी गैसेस है यहाँ पे, ऑल आर बीइंग गैसेस प्रेजेंट हियर। तो केपी बाय केसी कैसे निकाल सकते हैं? केपी बाय केसी निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, पहले डेल्टा एनजी निकाल लिया, तो डेल्टा एनजी आ गया -1, क्योंकि 1 - 2 इज दैट विल बी -1। तो केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टू डी आर टी की पावर -1, तो केपी इक्वल टू केसी बाय आर टी, तो ये 1 बाय आर टी हो जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा भाई, डी डी ऑप्शन विल बी आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का कौन सा पेयर है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब सिस ट्रांस देख लो, ये तो जी आई शो ही नहीं कर सकता क्योंकि सेम साइड में सेम एटम्स हैं, और जी आई शो करने के लिए कम से कम आपको इनमें से देखना पड़ेगा भाई। यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा सोचो, कौन कौन से पेयर यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं आपके हिसाब से? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं आपके हिसाब से, ए बी सी या डी? सोचें, सी आ जाएगा ना, सी विल बी द आंसर। सिस ट्रांस के फॉर्म में ये सी वाले हो सकते हैं, सिस और ट्रांस के फॉर्म में, एक सिस हो सकता है एक ट्रांस हो सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस फिजिकल क्वांटिटी? इट इज नॉट अ बेस फिजिकल क्वांटिटी, इनमें से कौन सी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेंथ, टाइम, डेंसिटी। बेस फिजिकल क्वांटिटी इनमें से कौन सी नहीं है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेंथ, टाइम या डेंसिटी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेंथ, टाइम या डेंसिटी, इनमें से कौन सा होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज योर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज योर वॉट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज योर नॉट योर फिजिकल क्वांटिटी, जो कि फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ए बी सी या डी? डेंसिटी, बेसिक क्वांटिटी कौन सी नहीं है? डेंसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? सिंपल, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ऑस्मोटिक प्रेशर। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ऑस्मोटिक प्रेशर, कौन सी इन सब में से कॉलिगेटिव क्वांटिटी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? या ये तो गलत ना करना, 13th का कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। चार होती है, ये होती है ऑस्मोटिक प्रेशर, आर एल वी पी, फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और एक होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। लिखते हैं ना अपन पाई इक्वल टू आई सी आर टी। जी बहुत बढ़िया, करेक्ट। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? हेलोजन्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, हेलोजन्स आर ओनली शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, एच एम मॉलिक्यूल फॉर्म्स इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, फ्लोरिन इज हाईली रिएक्टिव। इनमें से कौन सा गलत है? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है तुम लोगों के लिए, है ना, मतलब एक बार नीट में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कहीं ना कहीं, तो कौन सा आंसर हो सकता है इसके हिसाब से? तो द आंसर फॉर इज हेलोजन्स, -1 ही नहीं है भाई, सब +1 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, +7 भी हो सकता है, बी हो गया। फ्लोरीन लिखा रहता तो सही होता, फ्लोरीन ओनली शोज -1, दैट विल बी करेक्ट। मतलब फ्लोरीन जीरो में तो होता ही है, जीरो में तो सारे एलिमेंट्स होते हैं, -1 जीरो के अलावा -1 भी शो करता है। नेक्स्ट, इन एनी सबशेल्स, इन एनी ऑफ द सबशेल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर इज व्हाट? इन एनी सबशेल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम स्पिन क्वांटम नंबर इज व्हाट? सेम स्पिन क्वांटम नंबर इज व्हाट बताएं? 15th, मतलब सेम स्पिन के होने चाहिए भाई, एक ऑर्बिटल में दो अपोजिट स्पिन के आते हैं, तो सेम स्पिन के होने चाहिए, सेम स्पिन क्वांटम नंबर इन एनी ऑफ द सबशेल्स। सोचें, ए बी सी या डी? डी होगा, डी
अरे सेम स्पिन के, एस में सेम स्पिन के कितने हैं? एक है। पी में सेम स्पिन के कितने आएंगे? तीन आएंगे। पी में सेम स्पिन के कितने आएंगे? तीन आएंगे। देखो तो एक बार, सोचो तो सही, एक के पीछे एक आंसर बता रहे हो। पहले 2L+1 फॉर्मूला होना चाहिए ना। टोटल पूछा जाए तो वो हो जाएगा, टोटल पूछा जाए तो टोटल है 2L+1। मैं बोल रहा हूँ सेम स्पिन के, सेम स्पिन के, इसमें एक आएगा, इसमें एक आएगा, इसमें एक आएगा, तो सी ही तो होगा। नहीं, फ्लोरीन का भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, गलत बता रहा है जिसने भी बताया या लिखा है। आया समझ में? तो सी आंसर होगा ना यार, 2L+1 कैसे गलत कर सकते हो इसको। 2L+1 विल बी द आंसर, एक के बाद एक गलत बताए जा रहे हो। ठीक है, इतने भी नहीं है, थोड़ा तो सोचना पड़ेगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट, क्लीन वाटर वुड हैव BOD, क्लीन वाटर वुड हैव BOD, वॉट? क्लीन वाटर वुड हैव बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हैविंग वैल्यू लेस देन वॉट? क्लीन वाटर हैव बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लेस देन वॉट? क्लीन वाटर के अंदर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम से कम कितनी होती है? 17 PPM, 5 PPM, 2 lakh PPM या 10 PPM, बताएं। क्लीन वाटर के अंदर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये तो सभी को पता है, 5 PPM। लेटेक्स इज कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ रबर पार्टिकल्स विच आर? लेटेक्स इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ रबर पार्टिकल्स विच आर व्हाट? लेटेक्स इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ रबर पार्टिकल विच आर? नहीं, HOF में गलत है बेटा। HOF में हाइड्रोजन +1 होता है, फ्लोरीन -1 होता है, ऑक्सीजन 0 होता है। आप मेरा पुराना लेक्चर देख लीजिए, कल रेडॉक्स रिएक्शन में उसमें मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, तो कोई अगर बता रहा है आपको फ्लोरीन +1 तो गलत बता रहा है। बताएं नेक्स्ट। इट्स अ नेगेटिवली चार्ज, इट्स व्हाट? इट्स अ नेगेटिवली चार्ज वन, इट्स अ नेगेटिवली चार्ज वन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो लीस्ट डाइपोल कैरेक्टर? सबसे कम डाइपोल, सबसे लीस्ट डाइपोल इन सब में से किसका होगा? वाटर का, इथेनॉल का, इथेन का या ईथर का? सबसे लीस्ट डाइपोल कैरेक्टर इनमें से किसका होगा? लीस्ट डाइपोल, एकदम कम से कम डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू, वाटर का होगा, इथेनॉल का होगा, इथेन का होगा या ईथर का होगा? सोचो, वाटर, इथेनॉल, इथेन या ईथर, सबसे कम डाइपोल। अरे हाइड्रोकार्बन हो गया ना ये तो, CC इथेन, कुछ पोलैरिटी ही नहीं है। CH3 CH3, नो पोलैरिटी, कार्बन कार्बन, CH3 CH3, सी हो जाएगा ना। ईथर में तो फिर भी चलो थोड़ी तो पोलैरिटी आ जाएगी, CH3O, ये डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा, ये डेल्टा पॉजिटिव, O और C के बीच में, ये तो एकदम नॉन पोलर है, मतलब लीस्ट पोलर। रॉन्गली नेम्ड कंपाउंड इज वॉट? रॉन्गली नेम्ड कंपाउंड इज वॉट? IUPAC नेम को चेक करो, इन सबके जो भी नेम्स दे रखे हैं इन सबको चेक करो, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा, किसका नाम गलत कर रखा है, नामकरण करना है आपको, किसका नाम गलत कर रखा है, सोचें। ABC या D? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, इनमें से किसका नाम गलत है? सोचें सोचें सारे बच्चे, किसका नाम गलत है इनमें से, ए का, बी का, सी का या डी का? डी विल बी द रॉन्ग वन, डी विल बी द रॉन्ग वन, डी। ठीक है, Hex 3-ene और 5-one गलत है, यहां से नंबरिंग होनी है। ठीक है, बिकॉज ये सीनियोरिटी इसको मिलेगी, तो गलत हो जाएगा, 2 पे आएगा वो। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। नेक्स्ट, हैवी वाटर इज यूज्ड एज? हैवी वाटर, हैवी वाटर मतलब D2O, D2O को आप कहाँ पे यूज करते हैं? फ्यूल इन इंजन्स, सेमीकंडक्टर्स, मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स या इंसुलेटर्स इन स्टीम इंजन्स? हैवी वाटर को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं बताएं? हैवी वाटर्स को हम कहाँ पे यूज करते हैं? ये बहुत सारी जगह पता होगा, आपने पढ़ा होगा, बहुत बढ़िया, ग्रेट, आ गया आंसर। मॉडरेटर्स एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स, वेयर इट विल बी यूज? इट विल बी यूज एज अ मॉडरेटर्स एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स, मॉडरेटर्स एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बहुत सही बहुत सही। नेक्स्ट, इन अ सॉलिड स्टेट, इन अ सॉलिड स्टेट लेटेस्ट
द कैटायन एंड एनायन बोथ हैव अ लेफ्ट लैटिस, द लैटिस डिफेक्ट इज नोन एज, मतलब कैटायन भी भाग गया और एनायन भी भाग गया, कैटायन भी भाग गया और एक एनायन भी भाग गया, तो मत बट इसको भागने से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रही, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रही, डेंसिटी डिक्रीज हो गई, तो बताएं कौन सा डिफेक्ट होगा, ये कौन सा, एक कैटाइन भी भाग गया और एक एनाइन भी भाग गया, तो बताएं कौन सा डिफेक्ट होगा, ये इंटरस्टीशियल वैकेंसी शॉटकी या फ्रेंकल, बताएं इंटरस्टीशियल वैकेंसी शॉटकी या फ्रेंकल, एक कैटाइन एक एनाइन दोनों भाग गए इक्वल नंबर में, यस इट विल बी शॉटकी डिफेक्ट, इट विल बी व्हाट, इट विल बी व्हाट टू यू, शॉटकी डिफेक्ट फॉर यू ऑल, इट विल बी व्हाट टू यू ऑल, शॉटकी डिफेक्ट टू यू ऑल. चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो हेल्वोलार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन, इनमें से कौन सा HVZ नहीं दे पाएगा, हेल्वोलार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन जो नहीं दे पाएगा, बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा HVZ रिएक्शन, हेल्वोलार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन कौन नहीं दे पाएगा, 22 का आंसर बताएं, हेल्वोलार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन कौन नहीं दे पाएगा इन सब में से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, डी हो जाएगा इसमें, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इज द केस, इस वाले केस में ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है, कोई नहीं देखा पाएगा, अल्फा पोजीशन पे होना चाहिए था आपका, इस वाले केस में करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर इसमें ये हो जाएगा HOI HOBr और HOCl, नेक्स्ट वाले का भी डी, 23 का भी डी, 22 का भी डी, दोनों का डी डी आ जाएगा, ठीक है, दोनों का डी डी आ जाएगा, 22 23 का, ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन कौन नहीं जा सकता, कौन सा अल्डोल कंडेंसेशन नहीं जा सकता, अल्डोल कंडेंसेशन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, प्रोपेनल्डिहाइड, एसीटोन, फॉर्मल्डिहाइड या फिर एसिटल्डिहाइड, कौन सा अल्डोल कंडेंसेशन नहीं जा सकता, अल्फा हाइड्रोजन इज नेसेसरी, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, अल्फा हाइड्रोजन नेसेसरी है, तो सबका आंसर सही है, वेरी गुड राजेश दीप्ति एकदम, मतलब जो कमेंट बॉक्स है ना वो लाइट की स्पीड से भागना चाहिए, That should be the, मतलब आपका आंसर देने की रेट इतनी तेज होनी चाहिए, इट विल बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इतनी ज्यादा स्पीड से, मतलब बस आपका इंटरनेट धीरे, इंटरनेट की स्पीड कम हो सकती है बट आपके दिमाग की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, है ना, ये सोचें, ठीक है, हाँ इस हिसाब से आंसर दिया करो भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, इनका 22-25 क्वेश्चन मैंने कल भी बोला था, 20-25 क्वेश्चन आते ही है नीट एग्जाम में, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस को आपको एकदम फटाफट से, हाँ रफ्तार एकदम फ्लैश बन जाओ, सुपर पावर ले आओ मैं सब देख लूंगा, डोंट वरी, आप बस दे जाए आंसर, मैं सब देख लूंगा, ठीक है, आई विल डिकोड एवरीथिंग, ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैट सॉल्यूबल विटामिन, फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन सा है, फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन सा है बताएं, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए विटामिन, ए विटामिन ए विल बी द फैट सॉल्यूबल विटामिन, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, द फॉर्मुलेशन ऑफ डिटॉल कंटेन्स, द फॉर्मुलेशन ऑफ डिटॉल कंटेन्स व्हाट, क्लोरोक्सिलिनॉल, टर्पिनॉल, अल्कोहल या ऑल ऑफ दीस, डिटॉल में क्या क्या होता है बताओ डॉक्टर्स, डिटॉल में क्या क्या होता है बता दो डॉक्टर्स सारे, डिटॉल में क्या क्या होता है, अल्कोहल, क्लोरोक्सिलिनॉल या टर्पिनॉल, क्या क्या होता है फॉर्मुलेशन डिटॉल बनाया पूरा, डी विल बी द आंसर, डी विल बी द आंसर, ठीक है, ऑल ऑफ दीस, नेक्स्ट, द पीएच ऑफ 0.05 mm ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड विल बी व्हाट, द पीएच ऑफ 0.05 mm बेरियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान से सुनना, पीएच पूछा है बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का, पीएच पूछा है बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का, पीएच पूछा है बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का पीएच पूछा है, बोलो
तो आपको ये पता होना चाहिए इसको पानी में डालेंगे तो क्या एच बनेगा, 2OH- बनेगा, 2 × 0.05 दैट विल बी इक्वल टू 0.1, और POH आएगा इसका माइनस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ OH- दैट विल बी 0.1, तो POH आ गया 1, तो pH आ गया 13. सो द आंसर फॉर दिस वन विल बी बॉम्बे. आई बात समझ में? द आंसर फॉर दिस वन विल बी बॉम्बे, बॉम्बे विल बी द आंसर. ठीक है, 27 का क्या हो गया आंसर? बॉम्बे हो गया. ठीक है, नेक्स्ट. ये कौन सी रिएक्शन है जिसमें अल्काइल आयोडाइड बनाए? वुड्स फिटिंग या फिंकलस्टीन? अल्काइल आयोडाइड बनाए, अल्काइल आयोडाइड बनाए. 28 का नेम रिएक्शन बतानी है कि ये कौन सी रिएक्शन है. अल्काइल आयोडीन मतलब हेलोजन एक्सचेंज हुआ है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हुआ है. तो ड्राई एसिटोन NaI की प्रेजेंस में कौन सा नाम है? नेम ऑफ द रिएक्शन विल बी व्हाट? ए बी सी या डी? बहुत बढ़िया, हिंदी में लिखा है. ये बात हुई फिंकलस्टीन. जरूर तुमसे आज मिलने फिंकलस्टीन आएंगे, है ना. हिंदी में देखो कितनी मेहनत से नाम लिखा है. जरूर जरूर, फिंकलस्टीन विल बी द आंसर. करेक्ट, फिंकलस्टीन. अच्छा, एक बार मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बताओ, SN1 होता है या SN2 होता है? SN1 के अंडर को जाती है या SN2 अंडर को करती है, बताओ. SN1 और SN2, SN1 जाती है या SN2 आती है? यस, वेरी गुड. इट विल बी SN2, इट विल बी SN2 होती है. इट विल बी SN2, दिस विल बी गोइंग टू SN2. करेक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. सिडेराइट एंड एस्फेरेलाइट आर द ओर्स ऑफ विच ऑफ द मेटल? सिडेराइट और एस्फेरेलाइट किस किस ओर के मेटल के ओर हैं? एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, कॉपर या फिर कॉपर और जिंक या फिर आयरन और जिंक, बताएं किस किस का ओर है. नेक्स्ट, किस किस का ओर है सिडेराइट और एस्फेरेलाइट? आयरन और जिंक किस किस का ओर है बताओ. डी हो जाएगा, डी हो जाएगा. फॉर्मूला, फॉर्मूला कोई लिखेगा? FeCO3 होता है और ZnS होता है. FeCO3 एंड ZnS विल बी द फॉर्मूला. डी हो जाएगा. क्लियर है? FeCO3 एंड ZnS विल बी द फॉर्मूलाज फॉर दिस वन. चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्प्योर फॉर्म, इम्प्योर फॉर्म, मोस्ट इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन? बेसिमर, स्टील, पेग या रॉट? बेसिमर, स्टील, पेग या रॉट, कौन सा इसमें से सबसे ज्यादा मोस्ट इम्प्योर फॉर्म है आयरन का? सोचो, सबसे ज्यादा इम्प्योर फॉर्म होना चाहिए आयरन का, इनमें से कौन सा है आपके हिसाब से? ए बी सी या डी? सी विल बी द आंसर, सी विल बी द आंसर. पिग आयरन, पिग आयरन, पिग आयरन है वही. पिग आयरन. नेक्स्ट, इसको सॉल्व करें. इनमें से किसका पीएच क्लोज टू वन है? इनमें से किसका पीएच वन के आसपास है? पीएच विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन. पीएच विल बी क्लोज टू वन. इनमें से कौन कौन है जिनका पीएच इक्वल टू वन है, बताओ जल्दी से. ए बी सी डी, इनमें से किस किस का पीएच होगा जो वन के इक्वल है? जल्दी से 100+ लाइक पे पहुंचा दो यार, 100+ लाइक्स फटाफट से. पीएच की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली वन है. देखो अब ये कैलकुलेशन होनी चाहिए फ्लैश की स्पीड से, फ्लैश की स्पीड से कैलकुलेशन होनी चाहिए. जल्दी से बताओ ए बी सी या डी. या तो ये तो मुझे लग रहा है रटा हुआ है इसको. HCl और NaOH का मिक्सचर है और कंसेंट्रेशन अलग अलग ले रखी है. अब पीएच वन का मतलब ये है कि भाई एसिडिक नेचर का है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड मतलब एसिड के मोल ज्यादा होने वाले हैं आपके. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. द आंसर फॉर दिस विल बी, द आंसर फॉर दिस विल बी दिल्ली, दिल्ली भाई. HCl है यार, सोचो आप, HCl है ठीक है. HCl देगा आपको H+ + Cl-, और NaOH क्या देगा? NaOH देगा आपको Na+. में डी ऑप्शन सॉल्व करके बता देता हूँ, Na+ और OH-. तो H+, HCl का कंसेंट्रेशन कितना है हमारे पास? 75 ml, और मोलैरिटी है M/10. 75 ml और मोलैरिटी है M/10.
तो इसके मिलीमोल्स क्या हो गए, मिलीमोल्स ऑफ HCl विल बी व्हाट, 7.5, तो एच प्लस के मिलीमोल्स भी हो गए 7.5। ऐसे ही NaOH की निकाल लो 25 इंटू 1/10, तो डेट विल बी 2.5, तो इसके भी मिलीमोल्स कितने हो गए, 2.5 हो गए। तो नेट कंसेंट्रेशन मिलीमोल्स किसके ज्यादा है, एसिड के ज्यादा है, तो 7.5 माइनस 2.5 अपॉन टोटल वॉल्यूम, वी टोटल, वी टोटल कितना है भाई, 75 इधर है 25 इधर है, तो 5/100, 5/100 आ गया, ठीक है, करेक्ट है। डाइल्यूशन टू टू टाइम पीएच विल बी क्लोज टू विच वन, तो यहाँ पे भाई मैंने निकाल लिया 7.5 है, यहाँ पे NaOH है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2.5, तो 7.5 माइनस 2.5 इज 5, 5 अपॉन टोटल वॉल्यूम विल बी 75 प्लस 25 दैट विल बी 100, तो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आ गया 1/20, 1/20 आ गया आंसर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करने और पीएच निकाल लेना, तो इट विल बी क्लोज टू 1 आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस निकाल के, ठीक है। नेक्स्ट 32, मैच द कॉलम, मैच द करेक्ट अप्रोप्रिएट चॉइस फॉर द फॉलोइंग, एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल, राइबोफ्लेविन, थायमीन, बेरी बेरी, क्रैक लेब, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, क्या क्या आंसर हो सकता है इसका, जल्दी से सोचें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज देन अनअप्रोप्रिएट, इज नॉट करेक्ट इन दिस ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, एस्कॉर्बिक, रेटिनॉल, राइबोफ्लेविन, थायमीन, बेरी बेरी, क्रैक लेब, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, सारे डॉक्टर हो बता दोगे सबके, सब ए बी सी या डी, डेडी, ठीक है, एवरी वन नोज दिस, सबका लगभग सही दिख रहा है मुझे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट बताए, इन इनिशियल कंसेंट्रेशन इज डबल, द टाइम ऑफ हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो डबल, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज वॉट, अगर इनिशियल कंसेंट्रेशन को ई नॉट को हमने कर दिया डबल, तो टी हाफ भी हो जाना चाहिए डबल, तो ऐसा किसमें ऐसा रिश्ता है कि ये फॉलो कर दे, कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं कि ये फॉलो हो जाए, कौन सी ऐसी रिएक्शन है कि ये फॉलो हो जाए, जीरो ऑर्डर है भाई, जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर है, टी हाफ क्या होता है जीरो ऑर्डर का, ई नॉट अपॉन टू के, ई नॉट अपॉन टू के होता है, ए नॉट को डबल करा, ए नॉट को अगर डबल करोगे तो टी हाफ भी डबल होगा, ए नॉट को अगर डबल करोगे तो टी हाफ भी डबल होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ए नॉट डबल तो टी हाफ भी डबल, क्लियर है। व्हाइट फॉस्फोरस व्हेन रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड गिव्स, व्हाइट फॉस्फोरस व्हेन रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड गिव्स यू व्हाट, जब व्हाइट फॉस्फोरस को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देता है, P4 प्लस HNO3 gives you what? ये मतलब NCERT की रिएक्शन है आपके, क्या देता है बताओ, बस फॉस्फोरिक एसिड, प्लस 5 है तो हाईएस्ट पे पहुंच जाता है H3PO4 और NO2 बना देता है और H2O निकल जाता है, H3PO4, करेक्ट। नेक्स्ट 34 तो हो गया, 35, Which of the substance is not present in nucleic acids? इनमें से कौन सा सब्सटेंस नहीं प्रेजेंट होता न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर, इनमें से कौन सा सब्सटेंस नहीं प्रेजेंट होता न्यूक्लिक एसिड के अंदर, नहीं होता न्यूक्लिक एसिड, जैसे RNA और DNA की बात करते हैं अपन, एडेनिन, साइटोसाइनिन, थायमीन, ग्वानिडीन, क्या होगा, डी ग्वानिडीन, दिस विल बी द बेस, दिस विल बी द बेस फॉर यू ऑल, डी विल बी द आंसर है ना, डी, दिस विल बी द बेस फॉर यू ऑल, डी तो बेस हो जाता है, ग्वानिडीन तो क्या हो जाता है, एक बेस हो जाता है, दैट्स इट, करेक्ट। नेक्स्ट पीवीसी इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, पीवीसी इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, पीवीसी इनमें से किसका एग्जाम्पल है, थर्मोसेटिंग का, थर्मोप्लास्टिक का, इलास्टिक का या फाइबर, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, इलास्टिक या फाइबर, इनमें से किसका एग्जांपल है पीवीसी, सोचें इनमें से किसका एग्जांपल है पीवीसी आपका,
थर्मो प्लास्टिक का है, बहुत बढ़िया। द साइंस ऑफ डेल्टा एस, डेल्टा एस एंड डेल्टा जी, द साइंस ऑफ डेल्टा एस एंड डेल्टा जी फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर विल बी, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस होना है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस होना है तो डेल्टा जी को तो ग्रेटर देन जीरो कर दो, है ना। अपने को कमेंट करना है डेल्टा एस और डेल्टा जी के साइन में, तो इसको तो हमने कर दिया ग्रेटर देन जीरो, है ना, जीरो से ज्यादा, तो जीरो से ज्यादा होना चाहिए, और सॉरी जीरो से ज्यादा होना चाहिए डेल्टा जी की वैल्यू, तो मतलब ये तो होना चाहिए पॉजिटिव। अब डेल्टा एच और डेल्टा एस की बात बची, हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस हो तो डेल्टा एस को भी क्या कर दो, नेगेटिव कर दो, डेल्टा एस को भी नेगेटिव कर दो आप, और डेल्टा एच को पॉजिटिव कर दो, तो बी आंसर हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। भाई डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, अपने को ये चाहिए पॉजिटिव, तो इसको भी मैंने कर दिया पॉजिटिव और इस डेल्टा एस को कर दिया नेगेटिव, तो इससे ये वाली क्वांटिटी आ गई पॉजिटिव, तो बी हो जाएगा ना, नॉन स्पॉन्टेनियस ऑलवेज। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन पोटेशियम इज हीटेड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ये एस ब्लॉक का क्वेश्चन है। एस ब्लॉक के ऑक्साइड अलग अलग तरीके के बनाते हैं, जो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम होता है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर अगर आप हीट करते हैं तो कोई परऑक्साइड बनाता है, कोई सुपर ऑक्साइड बनाता है, कोई ऑक्साइड बनाता है, तो आपको याद रखना है। तो कौन सा कौन बनाता है इसमें, पोटेशियम क्या बनाएगा, पोटेशियम को अगर हीट करेंगे तो पोटेशियम कैसे बनाएगा, के ओ का उल्टा ओके, नहीं के ओ तो कुछ हुआ ही नहीं यार, ए बी सी या डी कौन सा बनाएगा, के ओ को कौन सा बनेगा भाई, के ओ कौन सा बनेगा, डी बन जाएगा, के ओ टू बन जाएगा, के ओ टू बन जाएगा। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस इन अमंग दीज ऑल, स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस का डिक्रीजिंग ऑर्डर इन सब में, स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस को आपको अरेंज करना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन सभी में से स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने अरेंज करना है, तो क्या होगा सोचें, ए बी सी या डी, स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस को डोनेटिंग कैपेसिटी के आधार पे, डोनेटिंग कैपेसिटी के आधार पे कौन अच्छा बेस, अरे यार आपको पता होता है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, तो आपको पता है कार्बन का जो होगा वो कार्बन अच्छा डोनर होगा, तो CH3CH2- अच्छा डोनर है, फिर NH2- फिर C(CH-), देन OH-, दैट विल बी द केस, ए विल बी द आंसर। भाई लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंथेटिक रबर्स आर यूजुअली ऑब्टेंड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ व्हाट, सिंथेटिक रबर इज ऑलवेज ऑब्टेंड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ व्हाट, सिंथेटिक रबड़ किन की वजह से मिलता है, सिंथेटिक रबड़ इज यूजुअली ऑब्टेंड बाय कोपोलीमराइजेशन ऑफ व्हाट, अल्केन और 1,3-butadiene, 1,4-polyisoprene, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, अल्केन और 1,3-butadiene, किसकी वजह से मिलता है बताओ। ए बी सी या डी, नहीं सोचो सोचो सोचो, किसकी वजह से मिलता है, अल्केन एंड 1,3-butadiene, 1,3-butadiene, दोनों सेम आ गए, सॉरी, तो इसमें बोनस मिल गया, तुम्हें बोनस मिल गया, ए और सी बोनस आ गया। चलिए नेक्स्ट बताएं, अल्कोहल्स ऑफ लो मॉलिकुलर वेट आर, अल्कोहल्स ऑफ लो मॉलिकुलर वेट आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर और ईटिंग इनसॉल्युबल इन वाटर, या इनसॉल्युबल इन ऑल सॉल्वेंट्स, तो लो जो होंगे वो सॉल्युबल होंगे पानी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आर ओ एच है, अगर आर वाला पार्ट कम है, आर वाला पार्ट कम है, आर वाला पार्ट कम है, ठीक है, हाँ अल्कीन आएगा, अल्कीन आ जाएगा, वो लिख देंगे अल्कीन, ठीक है, अगर आर वाला पार्ट कम है तो मतलब ये हाइड्रोफोबिक एंड कम है, तो हाइड्रोफिलिक एंड ज्यादा है, तो ये दोनों हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक एंड ज्यादा, तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर, इनको इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में जमाना है, लो से हाई एनर्जी के ऑर्डर में जमाना है इन सभी को,
लो से हाई और एनर्जी ऑर्डर में जमाना है इन सभी को, जमाएं लो से हाई एनर्जी के ऑर्डर में, जमाएं इन सबको। एन प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग समझा दो, एन प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग लो से हाई, तो एन प्लस एल का रूल हो जाएगा ना, उसके अकॉर्डिंग समझा दो कि एन प्लस एल किसका ज्यादा है। इसका एन प्लस एल का वैल्यू देखोगे तो 5 है, इसका एन प्लस एल देखोगे तो 4 है, इसका 5 है, इसका 4 है, ठीक है। बट जिसका एन की वैल्यू ज्यादा उसके लिए वो ज्यादा, तो 42 का क्या आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये है 4+1 और ये है 3+2, तो फन सबसे ज्यादा होगा, तो एक ही ऑप्शन से आ गया आंसर, आ गया ये आंसर, आ गया एक ही ऑप्शन से आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसेट, एसेट का कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग एसेट का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, जल्दी से बताओ। स्ट्रॉन्ग एसेट का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस, मान लो एच सी एल है, इसका कॉन्जुगेट बना बेस बना एच सी एल माइनस, या एच एफ है, एच सी एल है, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स है इनका कॉन्जुगेट बना बेस बना एच सी एल माइनस, तो एसिड से कॉन्जुगेट बेस, तो कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस अपोजिट थ्योरी होती है ना, अपोजिट थ्योरी होती है, तो इट विल बी अ वीक बेस, इट विल बी अ व्हाट, वीक बेस। जितना स्ट्रॉन्गर एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक, उसका कॉन्जुगेट एसिड उतना ही वीक हो जाएगा। करेक्ट। द अरेंजमेंट ए बी सी, ए बी सी इज रेफर्ड टू एज वॉट, ए बी सी अरेंजमेंट इज रेफर्ड टू एज वॉट, ए बी सी कौन सा होगा, ऑक्टाहेड्रल क्लोज पैकिंग, एच सी पी, टेट्राहेड्रल या क्यूबिक, कौन सा होगा ए बी सी वाला पैकिंग। सोचे सोचे सारे बच्चे, ए बी सी या डी, इट विल बी योर, कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सी सी पी कैटेगरी में आएंगे, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग वाली कैटेगरी में आएंगे, डी वाले के अंदर आएंगे, डी वाले के अंदर, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग के अंदर आने वाले हैं, सी सी पी के अंदर आएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन शो नहीं करें रॉल्स लॉ से, पॉजिटिव डेविएशन नहीं शो करने चाहिए रॉल्स लॉ से, पॉजिटिव डेविएशन नहीं शो करने चाहिए रॉल्स लॉ से, फिनॉल एनिलीन इथेनॉल एसीटोन एसीटोन CH2 या मिथेनॉल और वाटर, पॉजिटिव डेविएशन नहीं शो करना चाहिए रॉल्स लॉ से, सोचें सोचें जल्दी से बताएं बच्चों, सोचें सोचें, सोचते रहें, ठीक है, दिमाग चलाते रहें, रोकना नहीं है इस दिमाग को, चलाते रहना है, दिमाग का ब्लॉकेज लग जाएगा तो पंगा हो जाएगा, लॉकडाउन तो वैसे ही लगा हुआ है, और दिमाग पे भी ब्लॉकेज लग जाएगा तो फिर तो क्या ही कहने, ठीक है। क्या होगा आंसर, ए बी सी या डी, सी बोल रहे हैं कुछ, डी बोल रहे हैं कुछ, ए भी बोल रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन नहीं शो करें रॉल्स लॉ से, इथेनॉल एसीटोन, पर इथेनॉल एसीटोन वहां पे दे रखा है नेगेटिव में, पॉजिटिव में दी, नेगेटिव में दे रखा है सच्ची। डी डी में कंफर्म लग रहे हैं सबके सब, मीथेनॉल और वाटर, हाँ मीथेनॉल और वाटर बोल रहे हैं, बट फिनॉल और एनिलीन, फिनॉल और एनिलीन को जानते हो, फिनॉल और एनिलीन को, फिनॉल और एनिलीन नहीं हो सकते क्या, ये रहा फिनॉल और ये रहा एनिलीन, फिनॉल और एनिलीन नहीं हो सकता क्या, सोचें एक बार, नहीं करेंगे नहीं करेंगे भाई, ऐसे तो जैसे इथेनॉल एसीटोन नहीं करा वही केस है, हो सकता है, हो
हो सकता है फिनॉल एंड एनिलीन इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज द मोस्ट करेक्ट आंसर, सबसे करेक्ट आंसर देना है। हो सकता है, हो सकता है, देख लेना एक बार, कुछ दिक्कत हो तो मैं आपको प्रूफ भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे आज। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, आपको मैं लिखा हुआ भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल के अंदर, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, किसी को दिक्कत हो तो मैं भेज दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। यहाँ पे है एन वन एन टू और एन थ्री नंबर ऑफ मोल्स में, मैं ध्यान रखूंगा आज पक्के से भेज दूंगा उसका प्रूफ, डोंट वरी। एन वन एन टू और एन थ्री, इसका आंसर बताएं। नंबर ऑफ मोल्स, द पी वर्सेस वी ऑफ टेम्परेचर ऑफ एन वन एन टू एंड एन थ्री। एन वन एन टू और एन थ्री में नंबर ऑफ मोल्स का रेट बताना है। पीवी कर्व है, पीवी कर्व है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मतलब हम बोल सकते हैं इसको आइसोथर्मल बोल सकते हैं, आइसोथर्मल बोल सकते हैं, आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल बोल सकते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा सोचो, टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, पीवी के अंडर का एरिया। बहुत सारे तरीके हैं इसको निकालने के, तो ये हो जाएगा ना टी वन ग्रेटर देन टी टू ग्रेटर देन टी थ्री, टी वन ग्रेटर देन टी टू ग्रेटर देन टी थ्री। तो एक पेपर तो हो चुका है, एक पेपर हो चुका है लगभग अपना 45 क्वेश्चंस का। ठीक है, तो 1 घंटे के अंदर अपन ने कर लिया। देखो ऐसा पेपर आएगा तो 45 क्वेश्चंस के अंदर 1 घंटे के अंदर कर लिया होगा, और आई होप सबके 40+ करेक्ट होंगे, आई होप सबके 40+ करेक्ट होंगे, यस और नो, 40+ करेक्ट होंगे ना इसके बाद, है ना, 40+ करेक्ट होंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे ऐसे थोड़ी, अभी देखो क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं। अब आप बोलोगे कल एकदम ऐसे सीधा का सीधा एंट्री मार के, सर मुझे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दो, नहीं सर मुझे तो सीधा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा दो, नहीं सर सीधा मुझे, तो ऐसे थोड़ी चलता है ना, एक पूरा अपना एक पूरा अपना किसके थ्रू चलता है, एक पूरा शेड्यूल के थ्रू चलता है। जो भी क्लासेस अटेंड करनी है 21 के लिए, मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ टॉपिक वाइज, तो उसको 1 बजे क्लास करो और वहां पे सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, 1 बजे वाली क्लास रेगुलरली अटेंड करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए, हाँ इजी पेपर था तो 41+। चलिए एक और पेपर करते हैं सॉल्व, एक और पेपर की नई स्टार्टिंग, है ना। अब उस पेपर को अलग रख लेना, है ना, जैसे अभी अभी 46 क्वेश्चन करें, अब उसका मार्क्स लिख लो अलग जगह अलग पेपर पे। अब यहां से नया पेपर स्टार्ट करते हैं, है ना, तो यहां से देखते हैं आपके कितना होता है। ठीक है, हाँ, द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट विल बी दिस इज 50, तो 50 मोर क्वेश्चंस विल डू। सेवन पी एम तक अपन साथ में है ना, 7 PM तक जितने क्वेश्चन हो जाए वी विल डू दैट। ठीक है, टिल 7 PM वी आर टुगेदर। ठीक है, तो देखते हैं कितने क्वेश्चंस और कर लेते हैं अपन लोग। चलो आगे बताओ आंसर इसका। हाँ ये नीट का पेपर है, हाँ बेटा ये नीट 2020 का पेपर है, उसे हम आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताएं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के का वैल्यू इतना है, के का वैल्यू इतना है, और अगर इक्वेशन रिवर्स हो जाएगी, अगर इक्वेशन रिवर्स हो जाएगी तो यहाँ पे इसका 1/K' हो जाएगा, 1/K' हो जाएगा, तो 1/50, तो 1/50 इज इक्वल टू वॉट, दैट विल बी 2 × 10⁻², 2 × 10⁻², तो बी आंसर हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। बहुत सिंपल है ये तो, है ना, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन डज रिप्रेजेंट्स द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ विच ऑफ द सॉल्यूशन डज रिप्रेजेंट्स द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, बताएं। अच्छा क्वेश्चन है ये सेकंड वाला, डज रिप्रेजेंट द क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट फॉर वॉटर। ए बी सी एंड डी,
देखो आंसर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको पूरा सॉल्व करा के आपको समझाता हूँ। तो आंसर इसका है बच्चों सी है। आंसर इसका क्या है? सी है। ये मोलैरिटी दे रखी है बेटा, मोलैरिटी से काम होता है, मोलैरिटी से। तो इसको ध्यान से समझना, लिख लेना कॉपी में। डेल्टा टी एफ होगा के एफ इंटू एम। आपको ये पूछा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इट रिप्रेजेंट्स द क्राइस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। मतलब आपका क्या आना चाहिए, डेल्टा टी एफ किसके इक्वल आ जाए? के एफ के इक्वल आ जाए। डेल्टा टी एफ के एफ के इक्वल कब आएगा? जब मोलैलिटी वन हो जाए। जब मोलैलिटी वन हो जाए, डेल्टा टी एफ के एफ के इक्वल कब आएगा? जब मोलैलिटी वन आ जाए। तो मोलैलिटी देखो, मोलैलिटी यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होना है? ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का मोल्स कितना आएगा? 9/180 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट इन पर 1000 ग्राम, तो 59 - 9 / 1000, तो दैट विल बी इक्वल टू 9/180 × 1000/50। तो ये जीरो से जीरो, ये टू टाइम्स कैंसिल, दैट विल बी वन। सिंपल। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? कितना अच्छा क्वेश्चन था, समझ आई बात? मोलैलिटी की वैल्यू किसके लिए वन है? उसके लिए डेल्टा टी एफ को के एफ के इक्वल पुट करना था। तो मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी हमें पता है, मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बोलो मजा आया, समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? समझ आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था? भाई 59 है ना, ये तो एक्वस सॉल्यूशन का मास है। सॉल्वेंट कितना होगा? 59 - 9, तो 59 - 9/10, 100,000। अच्छा लगा ना? तो लिख लेना ये क्वेश्चन, लिख लेना, इट्स अ गुड वन। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, मार्क स्टार इन ऑन दिस। ठीक है, ओके। डाइंग ऑफ फाइबर इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ, डाइंग ऑफ फाइबर इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ विच वन? डाइंग ऑफ फाइबर किसको इन्वॉल्व करते हैं? मैंने सॉरी यहाँ पे भी लिख दिया है, इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। डाइंग ऑफ फाइबर, ऑल ऑफ दीज, लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। एब्जॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन, सॉर्प्शन, सब चीज हो जाएगी, सब चीज हो जाएगी, सब चीज हो जाएगी, सब चीज, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? द शेप ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल, ध्यान से एक एक पॉइंट पढ़े, कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है? ए बी सी या डी? ए बी सी या डी? ए बी सी या डी, क्या होगा इसका आंसर? गलत, सी होगा। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही नहीं, जहां पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहां पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके, जिस केस में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। जिन जिन केसेस में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, जिस भी केस में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, तो एन प्लस एल से निकालते हैं, एन प्लस एल से निकाला जाता है, एन प्लस एल से निकाला जाता है, दैट इज द थिंग। थर्ड क्वेश्चन में बेटा डी इज द आंसर, डी इज द आंसर थर्ड क्वेश्चन का, ऑल ऑफ दीज। डाइंग ऑफ फाइबर इट्स अ प्रोसेस ऑफ, इनमें हर एक फिनोमिना होता है, जब भी डाई करते हैं ना फाइबर्स की, कलर डाई वो प्रोड्यूस करने के, दैट इज द केस। नेक्स्ट, फिफ्थ, हाउ मेनी पी डबल बॉन्ड ओ एंड पी ओ एच प्रेजेंट इन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की चित्र बनाओ, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का पहले तो चित्र बनाना सीखो। गेरा ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, अब गिन लो, पी डबल बॉन्ड ओ कितने हैं और पी ओ एच कितने हैं, दोनों के दोनों आ जाएंगे, निकाल के देख लो। पी डबल बॉन्ड ओ कितने हैं और पी ओ एच कितने हैं ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड के अंदर? सोचो जल्दी से, सोचो सारे बच्चे। सी होगा, सी हो जाएगा ना, 1 और 3, 1 और 3, अब तो देख के बता सकते हो।
सी होगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, करेक्ट है, करेक्ट है। ड्रग्स विच बाइंड टू द रिसेप्टर साइट्स एंड इनहिबिट इट्स नेचुरल फंक्शंस आर कॉल्ड, ड्रग्स विच बाइंड टू द रिसेप्टर साइट्स एंड इनहिबिट्स देयर नेचुरल फंक्शंस आर कॉल्ड। ड्रग्स जो ड्रग्स बाइंड हो करते हैं रिसेप्टर साइट को और इनहिबिट करते हैं उनका नेचुरल फंक्शंस, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें क्या बोला जाता है? सिक्स का ए बी सी आर डी सारे डॉक्टर्स को बता सकते हो। बी बोलते हैं, बी बोलते हैं, वेरी गुड। एंटेगोनिस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम, इनमें से कौन सा कलर इम्पार्ट नहीं करता फ्लेम में, कौन कौन से कलर इम्पार्ट नहीं करेंगे फ्लेम में, बताएं। फ्लेम टेस्ट होता है ना जो एस ब्लॉक के लिए कराते हैं अपन, एस ब्लॉक्स वालों के लिए, ग्रुप वन के लिए भी कराया जाता है, ग्रुप टू के लिए भी कराया जाता है, तो वहां पे पूछा है इनमें से कौन सा केस है जो इम्पार्ट नहीं करता कलर फॉर द फ्लेम इज विच वन। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, हमेशा ध्यान रखें बी प्लस टू मैग्नीशियम प्लस टू ड्यू टू देयर आयनाइजेशन एनर्जी स्मॉल साइज एंड एवरीथिंग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो भाई ये जर्मेनियम किसको बिलोंग करते हैं, जर्मेनियम कहाँ सी गए संत प्रभु, ठीक है, ये रहा जर्मेनियम आपका। तो अब इसको सोच के निकाल लो आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, एट्थ का क्या होगा, एट्थ का बी होगा। अरे यहाँ पे तो प्लस फोर ही स्टेबल है, यहाँ पे आके पंगा होता है, यहाँ पे प्लस टू स्टेबल होता है, यहाँ पे देखो तो प्लस टू स्टेबल, प्लस फोर स्टेबल है, GOCl4 ज्यादा स्टेबल हो गया ना, बी होगा ना, इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल अमीनो एसिड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड एलानिलीन, एलेनाइन, वेलाइन, प्रोलीन एंड सेराइन, कौन सा है इनमें से एसेंशियल अमीनो एसिड, ए बी सी या डी। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। एसेंशियल अमीनो एसिड, बच्चा लोग एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपको निकाल लेना है। बी वेलाइन, वेलाइन, बी वेलाइन इज द आंसर, बी 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 विल बी द आंसर बच्चा, बी देख लें, बिकॉज इट कांट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। SF4 कैसा होगा, तो SF4 का स्ट्रक्चर देखो भाई, SF4 कैसा है, SF4 का स्ट्रक्चर देखो, ये रहा SF4, तो SF4 कैसा होगा, SF4 कैसा होगा, SF4 होगा आपका सीसो, ये आ गया ए आंसर, ए ऑप्शन आ गया, सीसो आ गया ना SF4, इट हैज अ सी सॉ शेप, इट हैज अ सी सॉ शेप, डन। नेक्स्ट, फॉर अ केमिकल रिएक्शन कैन नेवर बी अ फ्रैक्शन, फॉर अ केमिकल रिएक्शन कैन नेवर बी अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में क्या चीज नहीं हो सकती किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, ऑर्डर, हाफ लाइफ, मॉलिकुलैरिटी या रेट कॉन्स्टेंट, क्या चीज कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन के लिए फ्रैक्शन नहीं हो सकती। ओके, निकालिए निकालिए। 11th का जीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ, मॉलिक्युलैरिटी या फिर रेट कांस्टेंट। गुड, एनी, दीप्ति पाटिल जी, सोनू, भारती,
विधान, आदर्श। ओके प्रशांत, ऋतुजा, ये कौन है? ये सोनू निगम के भाई, अल्फाज निगम। ओके हाँ, तो यहाँ पे ओके द आंसर फॉर द सी, सी विल बी द आंसर। मॉलिक्युलैरिटी, मॉलिक्युलैरिटी हमेशा इंटीजर हो जाती है और 3 से ज्यादा होती भी नहीं है ना, 3 से ज्यादा होती भी नहीं है। ठीक है, सी इज द आंसर। ठीक है, इंटीजर में ही रहेगी, कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकती। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, H2O2 इज पेल ब्लू विस्कस लिक्विड। H2O2 के बारे में निकालना है, H2O2 ओपन बुक, खुली किताब जैसी जिंदगी है इसकी, खुली किताब जैसी, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है, खुली किताब जैसी जिंदगी है भाई। ये होता है ना इसका स्ट्रक्चर, ओ ओ, एक होगा हाइड्रोजन यहां, तो एक होगा हाइड्रोजन यहां पे। लोन पेयर्स आर प्रेजेंट, लोन पेयर्स आर प्रेजेंट, लोन पेयर्स आर देयर, लोन पेयर्स आर देयर, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, लाइज ऑन द डिफरेंट मीन्स। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। फॉर अ केमिकल रिएक्शन, अच्छा ये तो वही चीज रिपीट हो गई है वापस, सॉरी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट कोगुलेशन पावर, तो As2S3 कौन सा सोल होगा उस हिसाब से निकाल लो, बहुत जगह एनसीईआरटी में भी गिवन है इसका हाईएस्ट कोगुलेटिंग पावर, 13th का। क्या होगा? ये लो भाई, ये लो, ABCD, Al+3 कैटायंस विद हाई वैलेंसी, कैटायंस विद हाई वैलेंसी, तो बी हो जाएगा आंसर। द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज व्हाट? द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज व्हाट? द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज व्हाट? 16 ग्राम मीथेन मतलब मान लीजिए CH4 ले लिया, CH4 ले लिया, ओके CH4 ले लिया, 16 ग्राम मीथेन ले लिया, ठीक है, कंबस्टन करा रहे हैं, तो CH4 का O2 के साथ क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा और H2O बनाएगा। ठीक है, तो आप निकाल लें मोल मोल एनालिसिस के हिसाब से। थर्टी सिक्स ग्राम क्या हो जाएगा आंसर? 36 ग्राम हो जाएगा। वाटर कितना बनेगा? बैलेंस कर लो इस रिएक्शन को, पूरा बैलेंस कर लो, मान लो ये 2O2 है, ये 2H2 है, खत्म, बैलेंस हो गई। बस मोल निकाल लो, इसके मोल डबल, इसकी भी मोल डबल, खत्म। हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ HDT, HDT में हीट ऑफ फ्यूजन इन HDRT, HDRT हीट ऑफ फ्यूजन की बात करी गई है। हीट ऑफ फ्यूजन सबसे ज्यादा किसमें, सबसे कम किसमें? ABCD, T2 देन D2 देन H2। मॉलिक्यूलर मास कम होता जाता है, हीट ऑफ फ्यूजन भी कम होता जाता है, ये ध्यान रखें। द फोटोकेमिकल स्मोक इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वॉट? द फोटोकेमिकल स्मोक इज एसेंशियली कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वॉट? जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है, कैन आई गेट AIR फर्स्ट मीट अभिषेक नाथ? ओके बहुत बढ़िया, मैंने कभी ऐसे AIR1 को ऐसे घूमते हुए नहीं दिखा, देखा ऐसे आवारा की तरह किसी भी चैट बॉक्स में घूम रहे हो। AIR1 कौन ऐसे करता है भाई? माना तुम्हारी आ जाएगी AIR1, आई होप यू शुड गेट AIR1 से ऊपर लाओ। हाँ O3 एंड N2,
देखो जो लाज जिनकी आती है ना वो पहले से नहीं बोलते हैं, वो अपने आप आ जाती है ना। पहले से बोलना बहुत बेकार रहता है ना। जैसे पहले से एनटीए वालों ने बोल दिया कि नीट का एग्जाम कराएंगे, पर नहीं करा पा रहे ना, हैं नहीं करा पा रहे नहीं करा पा रहे बताओ। हाँ ए बी सी आई डी, क्या आंसर होगा इसका? पहले से तो अब सोचो एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं तो फिर कैसे हो सकता है केसेस, है ना। तो फोटोकेमिकल स्मोक इज मेनली ड्यू टू द सी आंसर, सी आंसर विद ऑक्साइड्स ऑफ दिस एंड दिस नाइट्रोजन एंड दिस। नेक्स्ट डाल्टन्स लॉ, ये कौन सा डाल्टन्स लॉ है बताओ। ओके ये देखो, ये एक और आके बोल रहा है सर नीट की नई डेट्स आ गई तो पढ़ना स्टार्ट करो ना बेटा। फिर आ गई है तो हम तो वैसे भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ो, आनी तो है, पढ़ना भी पड़ेगा। तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कौन कौन सा हो गया? वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, वी वर्सेस टी मतलब प्रेशर कॉन्स्टेंट है, प्रेशर कॉन्स्टेंट है, आइसोबारिक कर्व है, वी वर्सेस टी कौन सा लॉ होता है? दैट विल बी द, अरे चांस लो, बॉयस लो, बॉयस लो पीवी वाला होता है, चांस लो वीटी वाला होता है, चांस लो वीटी वाला होता है, ऐसे याद रखो ठीक है। हाँ बस फ्रेंकल डिफेक्ट इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन, फ्रेंकल डिफेक्ट इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन, फ्रेंकल डिफेक्ट इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन, किस किस में फ्रेंकल डिफेक्ट होगा जल्दी से बताओ। फ्रेंकल डिफेक्ट इनमें से किस किस में से होगा? ए जी बी आर, ए जी आई, जेड एन एस या ऑल ऑफ दीज? ए जी बी आर, ए जी आई, जेड एन एस या ऑल ऑफ दीज, फ्रेंकल डिफेक्ट इनमें से किस किस में होगा? ए बी सी या डी? हाँ अपन वो सेशन लेके आऊंगा मैं, उसमें बता दूंगा। डेली डेली विल बी द आंसर। इतना ग्राम इथाइल अल्कोहल वाटर के साथ मिक्स करा और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द केएफ की वैल्यू भी दे रखी है, तो डेल्टा टीएफ क्या लिख दो, डेल्टा टीएफ क्या लिख दो, केएफ इनटू एम लिख दो, डेल्टा टीएफ केएफ इनटू एम। तो डेल्टा टीएफ वाटर के अंदर ही मिक्स किया है, पहले तो मोलैलिटी निकालो, तो इसका मॉलिकुलर मास कितना आ गया, 24 प्लस 6 प्लस 32, तो दैट विल बी 62, करेक्ट है, 24 प्लस 6 प्लस 62। तो इसका मोलैलिटी पहले निकाल लेता हूँ, तो मोलैलिटी आ जाएगा मेरे पास 45/62 इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, तो 600 ग्राम ऑफ वाटर के साथ मिक्स करा गया है ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज 600/1000, 600/1000, तो इसका आंसर लगभग किसके इक्वल आ जाता है? इसका आंसर लगभग आ जाता है 0.1.2 के आसपास, 1.2 के आसपास। तो डेल्टा टीएफ क्या हो गया, डेल्टा टीएफ हो गया केएफ इनटू एम, तो 1.2 इंटू केएफ की वैल्यू कितनी हो गई, 1.86 हो गई। तो 1.2 इंटू 1.86 का क्या हो जाती है, 1.2 इंटू 1.86 इज 2.2 केल्विन ठीक है। अब फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन है तो टीएफ सॉल्यूशन का कैसे निकाल लेंगे, 273.15 माइनस 2.2 केल्विन, तो ये लगभग आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, 270.9 केल्विन, 270.9 केल्विन बी ऑप्शन आ जाएगा बच्चों। बी 373 कैसे आएगा, 272 आएगा भाई। फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से कैसे निकाल रहे हो, गलत निकाल रहे हो। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जो कि सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, सोचें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, HCF2 इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, HCF2 इज ऑब्टेन बाय डायरेक्ट रिलेशन विद F2 एंड Xe एट अ हाई प्रेशर, HCF2 अंडरगोस अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस टू गिव O2 एंड Xe, HCF2 कंटेन्स व्हाट, तो जल्दी से बताओ। कंटेन्स टू बॉन्ड पेयर्स एंड थ्री लोन पेयर्स, HCF2 जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है HCF2 के लिए। ए बी सी या डी? ए बी सी या डी?
इट इज नॉट अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट. सी तो सही है, ओ टू एंड एक्स ही दे देता है. इट इज नॉट अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट. ए विल बी द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. अब यार ये आप पूछोगे तो मतलब फिर तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. एलिमेंट ऑफ ग्रुप फाइव बी आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. एलिमेंट ग्रुप फाइव ए ग्रुप विल बी मेटलॉइड्स. एलिमेंट ऑफ फाइव ए ग्रुप एंड नॉर्मल एलिमेंट्स. क्या क्या आंसर हो सकता है इसमें. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. ए बी सी या डी. ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा. सोचो. बी. एलिमेंट ऑफ फाइव ए ग्रुप्स आर ऑल मेटलॉइड्स. एलिमेंट ऑफ फाइव ए ग्रुप्स आर ऑल मेटलॉइड्स. एलिमेंट्स ऑफ फाइव ए ग्रुप्स आर ऑल मेटलॉइड्स. बी विल बी द आंसर. करेक्ट. बी विल बी द आंसर. ओके. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट गिव अ प्राइमरी अमीन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट गिव अ प्राइमरी अमीन. इनमें से कौन सा प्राइमरी अमीन नहीं देगा. इनमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो कि प्राइमरी अमीन नहीं देने वाला है. प्राइमरी अमीन मतलब CH2NH2. तो ए तो दे देगा हॉफमैन ब्रोमोमाइड है. CH3CH2NH2 और CH3CH2NH2. बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि है आपका सी ऑप्शन. बिकॉज सी ये क्या दे देगा. CNH2 और फिर सी दोनों जगह आ जाएगा. सी ऑप्शन आ जाएगा. ये नहीं दे पाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम योर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. इसका नेमिंग कर दो. C2O4 ऑक्सीलेट है. इसका नेमिंग करना है आपने. क्या होगा. पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो. तो 3 + x - 6 = 0. तो प्लस 3 तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई सबसे सामने. तो बी या सी में से एक होगा. तो अब निकाल लो ट्राई ऑक्सीलेटो. ट्राई है ना, तीन है. टेट्रा तो है ही नहीं, ट्राई है, तीन ही तो है. तो सी आंसर आ जाएगा. सिंपल काउंट करते. मैच द फॉलोइंग गिवन इन द करेक्ट ऑर्डर. मैच द फॉलोइंग गिवन इन द करेक्ट ऑर्डर. कॉलम वन और कॉलम टू को एक साथ जोड़ें. कॉलम वन और कॉलम टू को एक साथ जोड़ दें. कॉलम वन को कॉलम टू के साथ जोड़ें. टेरिलीन, नाइलॉन, सेल्यूलोज, आरएनए. ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं ना, ये बायोमोलिक्यूल्स के, मतलब जिससे रिविजन अच्छे से हो जाता है आपका. बताएं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. सोचें. ए बी सी या डी. ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा. जल्दी से 150 प्लस लाइक्स. बी हो जाएगा आंसर. क्या हो जाएगा. बी हो जाएगा. बी हो जाएगा. ठीक है. बी विल बी द आंसर. नेक्स्ट. ब्यूना एन इज अ को पॉलीमर ऑफ 1,3-butadiene एंड ब्यूना एन. ब्यूना एन किस किस का को पॉलीमर है. 1,3-butadiene का है और किसका है. ब्यूना एन इज अ को पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. आइसोप्रीन, स्टाइरीन, विनाइल क्लोराइड या अक्राइलोनाइट्रेट. इनमें से किस किस का है. ब्यूना एंड को पॉलीमर इनमें से किस किस का है. आइसोप्रीन का है, स्टाइरीन का है, विनाइल क्लोराइड का है या फिर अक्राइलोनाइट्राइल का है. नाम से ही पता होना चाहिए ब्यूना एंड. ब्यूना एंड किस किस का होगा. सोचो. स्टाइरीन बोल रहे हैं कुछ, कोई और दीपक जी बोल रहे हैं बी डी सी डी. सोचे सोचे. अक्राइलोनाइट्राइल आ जाता है यार. अक्राइलोनाइट्राइल आ जाता है. मैंने पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया था बायोमोलिक्यूल्स का. 1-day 1 chapter देखना, उसमें है. ऑल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग केमिकल डिकम्पोजिशन. जितनी भी रिएक्शन केमिकल डिकम्पोजिशन को ले रही है, मान लीजिए केमिकल डिकम्पोजिशन ये हो रहा CaO + CO2, तो वो कौन सी होंगी. वो कौन सी होंगी जितनी भी रिएक्शन केमिकल डिकम्पोजिशन से रिलेटेड है, वो कौन सी हो सकती है. कौन सी हो सकती है. कौन सी हो सकती है केमिकल डिकम्पोजिशन से रिलेटेड. ए बी सी या डी.
एक्सोथर्मिक कैसे हो सकता है यार, कभी एक्सोथर्मिक कोई कैसे हो सकता है? किसी भी चीज को ब्रेक करना है, ये पेन है मेरे हाथ में, ये पेन है बच्चों, अगर मुझे इसको ब्रेक करना है, क्या ये ऐसे ही यहाँ पे रखे हुए ब्रेक हो जाएगा क्या? एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना तभी टूटेगा, एनर्जी तो देनी पड़ेगी तभी टूटेगा, तो एक्सोथर्मिक कैसे बोल सकते हो तुम? थोड़ा तो सोचो एक बार, पड़े पड़े कोई भी मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स कैसे ब्रेक हो जाएंगे? हाँ, इट मे बी डी, इट मे बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। डेली एक्सक्लूसिवली बी सी बोलोगे तो वो एकदम गलत है, ठीक है? डी विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स एंड वाई, कॉम्प्लेक्स एक्स और वाई को निकालना है, एक्स क्या है और वाई क्या है निकालना है आपको, एक्स क्या है वाई क्या है। रोस्टेड गोल्ड ओवर है, रोस्टेड, देखो रोस्टेड ऐसा बनो कि रोस्टेड, रोस्टिंग करो तो सक्सेसफुल हो, है ना? आज ऐप ही डिलीट हो गई, तो काम ऐसा करो, ऐसा करो, इतना डेडिकेशन से करो कि आने वाले महीनों में, 6 महीने में उसका रिजल्ट श्योरली आए। आप लोग क्या सोचते हो, आज मैं पढ़ा और कल मैं नीट में सिलेक्शन हो जाऊं? ऐसे नहीं होता ना, आपको इस हिसाब से काम करना है कि आपको फ्यूचर में नेक्स्ट 5 6 महीने में उनके रिजल्ट्स आपको दिखाई देने लगे हैं, उनके रिजल्ट्स आपको क्या देने लगे हैं, दिखाई देने लगे हैं, ठीक है? ए बी सी या डी? ए, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए, AU CN 2- और AU +1 में आएगा ना, क्योंकि हाँ ये याद रखना है, AU CN 2- X जो कि सॉल्युबल होता है। SN1 किस में फास्टेस्ट है? ओहो, बहुत देर बाद ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आया है, तो गलत नहीं करना है SN1 इतनी देर बाद। हाँ, रोजी रोटी छिन गया है, बहुत से लोग आज तो मतलब परेशान तो नहीं है ना कोई, सब लोग खुश है ना। SN1 रिएक्शन इज फास्टेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, SN1 रिएक्शन इनमें से किस में फास्ट होगी? बहुत देर बाद ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आया, जल्दी से कर दो इसको, जल्दी से बना दो सारे बच्चे। कार्बोकेटाइन का देखना है यार, बस कार्बोकेटाइन को देख लो कहाँ ज्यादा स्टेबल बनना है, दैट विल बी द आंसर। बहुत बढ़िया, सी विल बी द आंसर, सी विल बी द आंसर, सी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई जेड इन द सीक्वेंस, MnO4- और डाइल्यूट H2SO4 है, फिर CoCl2 है, फिर CH3CoNa के साथ हीट करा है, तो जेड क्या होगा वो सोचो, क्या होगा जेड, क्या होगा जेड सोचें। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ आता है तो बढ़िया रहेगा। मतलब क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, देखते हैं किसने आंसर दिया। सबसे पहले सिद्धांत पांडे जी, चुलबुल पांडे जी ने आंसर दिया है सबसे पहले, बहुत बढ़िया जी। द आंसर फॉर दिस वन विल बी बॉम्बे, अब देखते जाओ कैसे होगा। CH3CHO का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, कुछ याद आया? अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन बहुत बार कर चुके हैं, तो ये बना दिया CH3C डबल बॉन्ड O और OH, ये तो बन गया आपका X। अब इसको करा रहा हूं मैं SOCl2, SOCl2 के साथ क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O Cl आ गया, SOCl OH हटा दो, Cl अल्काइल हैलाइड आ गया, Cl आ गया। अब इसको ये आ गया हमारे पास वाई, अब हमारी रिएक्शन हो रही है, ध्यान से देखिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O O Na O Na, इससे रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, इससे रिएक्शन हो रही है, तो NaCl गायब हो जाएगा, NaCl यहाँ से निकल जाएगा, NaCl यहाँ से हीट करते निकल जाएगा, और बाकी बचा हुआ पार्ट एक साथ, तो मैं पहले इस पार्ट को लिख रहा हूँ, तो देखो इस पार्ट को लिखा तो क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर ये यहाँ से इसको ज्वाइन करेगा, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O CH3, खत्म। तो इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं ना, CH3CO का होल ट्वाइस और O, खत्म आ गया, B आंसर आ गया, खत्म, दैट्स ऑल। कितना बढ़िया क्वेश्चन का था, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ आया बात, समझ आई बात सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, समझ आ गया कैसे करना था, क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं।
इनको मैचअप कर दो, पूरे सॉलिड स्टेट के डिफेक्ट्स पे क्वेश्चन है, मैचअप कर दो, सॉलिड स्टेट का डिफेक्ट रिवाइज हो जाएगा इस क्वेश्चन से। मैचअप कर दो सॉलिड स्टेट के डिफेक्ट्स, शॉर्ट की, फ्रैंकल, वैकेंसी, इंटरस्टीशियल, सारे के सारे डिफेक्ट्स। बहुत बढ़िया, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बताएं, इसका ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। अप्रोप्रिएट चॉइस फॉर द फॉलोइंग वन। इनके लिए अप्रोप्रिएट चॉइस क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। 30th, ये लो, अब दिख जाएगा आपको सबको। सी है, सी है, बहुत बढ़िया। सी विल बी द आंसर, सी विल बी द आंसर, करेक्ट, बहुत बढ़िया। ये तो थियोरेटिकल है। नेक्स्ट, द सेल रिएक्शन, ये रही सेल रिएक्शन। ओके, इस सेल रिएक्शन का ई नॉट है ये कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ई नॉट निकालना है, तो निकाल सकते हैं सेल रिएक्शन का ई नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो माइनस एन एफ ई नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, तो ई नॉट आ जाएगा आपका, मतलब माइनस एन एफ ई नॉट निकालना है ना अपने को, तो ये आ जाएगा आपका एल एन के इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट अपॉन आर टी, एन एफ ई नॉट अपॉन आर टी। तो बस निकाल लीजिए इसको। एन 2 है, एफ की वैल्यू 96500 है, ई नॉट की वैल्यू, ई नॉट की 0.236 है, 0.236 है, आर टी 8.314 इंटू टेम्परेचर है 298। इसको सॉल्व करें पूरा, क्या आंसर आएगा, और फिर लॉग भी लेना है, लॉग भी लेना है। ए बी सी या डी सोचें। पूरा सॉल्व तो मैं नहीं करूंगा, तुम लोग कर लेना, लॉग के करना है भाई। इसको आ जाएगा 2.303 लॉग के लिखेंगे ना, फिर 10 की पावर समथिंग में ले जाएंगे, तो 10 की पावर समथिंग में ये आंसर आ जाएगा। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है? बेंजीन, फिनॉल, टॉलीन या इथाइल बेंजीन। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है? बेंजीन, टॉलीन, फिनॉल, टॉलीन, इथाइल बेंजीन किसका है? फिनॉल का हो जाएगा, पोलर, बीइंग पोलर, फिनॉल, पीएच, ओएच यहाँ पे आ जाएगा, फिनॉल ये हो जाएगा, दैट विल बी द केस। ठीक है, नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग। पीवी इक्वल टू एनआरटी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, वी इज वॉल्यूम डिनोटेड बाय वन ऑफ मोल ऑफ द गैस, एन इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस वॉल्यूम, वी पी इज द प्रेशर ऑफ द गैस व्हेन ओनली वन मोल ऑफ द गैस इज प्रेजेंट। क्या करेक्ट स्टेटमेंट है आपके हिसाब से? करेक्ट स्टेटमेंट क्या है पीवी इक्वल टू एनआरटी के बारे में? करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इनमें से? ए है, बी है, सी है या डी है? पीवी इक्वल टू एनआरटी के बारे में इन सभी में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? इतने तो आप वैले नहीं होंगे तुम लोग, है ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी को तो सब लोग बचपन से जानते हैं। नेक्स्ट, आईयूपीएसी नेम इसका करो, आईयूपीएसी नेम तो वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसको मिलने वाली है, अब बता दू आंसर, इसको मिलने वाली है, अब इसका आंसर बता दू। 1, 2 का 3 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन निकालो और आईपीसी का नाम निकाल दो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और आईपीसी नेम। तो भाई 2 पे ही आएगा, यहां से 1 पे से चलेंगे तो 2, 3 यही होने वाले हैं, तो ए आंसर हो जाएगा। अमीनो अल्फाबेटिकली भी लिखेंगे तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वाह वेरी गुड वन, कौन सी किसके रिलेटेड है? मिथेनॉल,
2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन, कॉल्बे और विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस मैचअप करना है, मैचअप कौन सी किससे रिलेट करती है। विलियमसन, ये दोनों देखो, इन दोनों से भी आंसर आ सकता है, थोड़ा सा पता हो तो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 36 का आंसर बता दिया है, वेरी गुड। बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर, ठीक है, बी आंसर विल बी देयर, बी आंसर विल बी देयर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सेक्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सेक्रीन के बारे में कौन सा करेक्ट है इनमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सेक्रीन। स्ट्रक्चर ये है, 600 टाइम्स स्वेटर है, स्वीटनिंग एजेंट है, सब चीज करेक्ट है, सबका मालिक एक डेली, मतलब मैंने बता दिया इसका आंसर जल्दी से, बट मतलब सिंपल ही था इसलिए बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, 38 बता दो, तुम्हारे लिए 38 छोड़ दिया। फिनॉल इज लॉस्ट सॉल्यूबल इन वाटर ड्यू टू, फिनॉल कम सॉल्यूबल है पानी में क्यों, फिनॉल कम सॉल्यूबल है पानी में क्योंकि, क्या आंसर है इसका। नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट इन इट, एसिडिक नेचर ऑफ OH ग्रुप और नॉन पोलर नेचर ऑफ फिनॉल, क्या आंसर होगा इसका, ए बी सी या डी। क्या आंसर होगा बच्चों 38 का, सी हो जाएगा, द आंसर विल बी सी, नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट इन इट, सी विल बी द आंसर, वेरी गुड। इसलिए भाई लाइक डिजॉल्व लाइक थ्योरी चलती है अपने तो पूरे केमिस्ट्री में, है ना, लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक थ्योरी आती है तो आप सब चीजें कर सकते हैं आराम से सॉल्व। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ इट इज कंफाइंड टू अ लीनियर रीजन ऑफ लेंथ दिस, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इफ इट इज कंफाइंड इन दिस पर्टिकुलर रीजन, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी हो जाता है एच बाई 4 पाई, तुम भी सॉल्व करो मैं भी सॉल्व करता हूँ, तो डेल्टा पी हो गया आपका एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स, अनसर्टेनिटी मोमेंटम ये आ गया, तो इसको लिख देंगे हम 6.626 इंटू 10^-34, 6.626 इंटू 10^-134, 4 इंटू 3.14, 4 इंटू 3.14 और 1 × 10^-10 मीटर, इसको सॉल्व करना है, इसको डेल्टा पी को निकालना है, तो ये लगभग आ जाएगा 10^-25 के आसपास, लगभग सब लोग 25 के आसपास है, सो 6/12 तो 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका डी ऑप्शन, डी ऑप्शन विल बी द आंसर, डी ऑप्शन 5.27 × 10^-25 किलोग्राम में आएगा बेटा, ना ग्राम में, नहीं किलोग्राम में, 10^-25 किलोग्राम, मास किलोग्राम में यूनिट चल रही है ना अपनी। टेफ्लॉन स्टार्च एंड नियोप्रीन आर ऑल, टेफ्लॉन स्टार्च एंड नियोप्रीन आर ऑल, क्या क्या है टेफ्लॉन स्टार्च और नियोप्रीन, क्या क्या है टेफ्लॉन स्टार्च एंड नियोप्रीन आर व्हाट, कंडेंसेशन मोनोमर होमोपॉलीमर्स या कोपॉलीमर्स, क्या क्या है बताएं, ए बी सी या डी, डी हो जाएंगे, दे ऑल आर व्हाट होमोपॉलीमर्स, दे ऑल आर व्हाट होमोपॉलीमर्स। क्लोरीन इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज इन, क्लोरीन अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, क्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेटमेंट में से किस में है, +1 में होना चाहिए, +1 में, देखो एच सी एल यहाँ -1 में, यहाँ पे +7 पे, यहाँ पे I+Cl-1, सी एल ऑक्सीजन और सी एल, ऑक्सीजन और सी एल, तो यहाँ पे +1 में आ जाएगा, तो डी ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन में +1 में। ये ग्राफ को देखो और बताओ क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं, इस ग्राफ को ध्यान दो और बताओ क्या क्या प्रोसेसेस यहाँ पे हो रहे हैं, प्रेजेंट हो रहे हैं, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है, कहाँ आइसोबारिक है, कहाँ आइसोथर्मल है, कहाँ से कौन सा प्रोसेस क्या है। सबसे पहले ए से बी को देखो, ए से बी देखेंगे तो हमें दिख रहा है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मतलब आइसोकोरिक, तो आंसर या तो ये हो सकता है या डी हो सकता है, ठीक है। फिर बी से सी कुछ भी आइसोबारिक हो गया, तो आइसोबारिक तो आंसर ये हो गया, ए आंसर हो गया।
आइसोथर्मल एसिस हो गया है, खत्म। ए हो जाएगा ना, ए आंसर हो जाएगा ना 43rd का, ए विल बी द आंसर ना बच्चा लोग, ए हो जाएगा ना। ये रहा ग्राफ, ये दो देख लो आप ग्राफ, ए हो जाएगा ना। ए से बी देखो, ए से बी जा रहे हैं, बी से सी, फिर सी से, तो ए से बी में वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो आइसोकोरिक, बी से सी में वॉल्यूम टेम्परेचर दोनों चेंज हो रहे हैं तो आइसोबारिक, और सी से ए में क्या हो जाएगा, खत्म। शॉटकी डिफेक्ट इज लाइकली टू बी फाउंड इन, शॉटकी डिफेक्ट इज लाइकली टू बी फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, शॉटकी डिफेक्ट इज लाइकली टू बी फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, AGI, NaCl, ZnS और ZnO, AGI, ZnS, NaCl या ZnO, इनमें से किसमें शॉटकी डिफेक्ट मिलता है? शॉर्ट की डिफेक्ट इनमें से किसमें मिलेगा, ए बी सी या डी, किसमें मिलेगा शॉर्ट की डिफेक्ट, सोचो। बी हो जाएगा है ना, एनएसीएल में, एनएसीएल में। कोलिजन थ्योरी इज एप्लीकेबल टू, कोलिजन थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल होती है, कॉलिजन थ्योरी जो अपने सिलेबस में है अपन लोग पढ़ते हैं, वो किसके लिए अप्लीकेबल है, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, बायोमोलिकुलर या इंट्रा मोलिकुलर रिएक्शंस के लिए, किसके लिए एप्लीकेबल है कॉलिजन थ्योरी, ए बी सी या डी, किस किस के लिए एप्लीकेबल है कॉलिजन थ्योरी, सोचें और बताएं। बाई मॉलिकुलर रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है, बाई मॉलिकुलर, तुमने एग्जाम्पल नहीं देखा तो वहां पे एग्जाम्पल ये है, एनसीईआरटी में गिवन है, ये बना देता है, तुमने एग्जाम्पल अगर ध्यान से देखा हो तो ये होता है केस, एच एच और आई आई होता है, पुराना बॉन्ड टूटता है नया बॉन्ड बनता है, ये इस तरीके से बाई मॉलिकुलर के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडिशन पॉलीमर, इनमें से कौन सा एडिशन पॉलीमर नहीं है, है मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिशन पॉलीमर, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर इनमें से कौन सा है, टेरिलीन, बेकलाइट, पॉलिएस्टर या टेफ्लॉन, टेफ्लॉन, CF2 डबल बॉन्ड, CF2 स्मॉल, द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, यस सेकेंड आइजेशन एंथैल्पी इज स्मॉलर देन फर्स्ट, ऑलमोस्ट इक्वल टू फर्स्ट, स्मॉलर देन द थर्ड और इक्वल टू द सेकेंड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो सेकेंड आइजेशन एनर्जी होती है उसको क्या बोल सकते हैं हम, सी बोल सकते हैं ना, सक्सेसिव आइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस, सक्सेसिव आइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस, तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर से अपन की देखो एक और पेपर फिनिश कर दिया है विद इन 1 आवर के अंदर, एक और पेपर फिनिश हो गया है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अपन, इसका आंसर बताएं नेक्स्ट से। इन एन एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर कैटाइन्स ऑक्यूपाई व्हाट, इन एन एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर कैटाइन्स ऑक्यूपाई व्हाट, टेट्राहेड्रल वॉइड, सेंटर ऑफ क्यूब, ऑक्टाहेड्रल वॉइड या कॉर्नर ऑफ द क्यूब, एंटी फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड, फ्लोराइड का उल्टा एंटी फ्लोराइड, Ab2A2B, Na2O और CF2 वाला, CF2
सीसीपी अरेंजमेंट, जहां पे वो क्या ऑक्यूपाई करेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेंगे बच्चों, टेट्राहेड्रल वॉइड। तुम्हें गलत हो गया, तुम्हें गलत हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द मॉलिक्युलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन? इनमें से मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? मॉलिक्युलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन स्लोएस्ट स्टेप, होल नंबर, नो डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी। कौन सा गलत है? तो डी हो जाएगा ना, देर इज अ डिफरेंस, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी, होता है, हमेशा होता है, ठीक है। मैंने बताया ना बेटा 7 PM तक चलेंगे, 7 PM तक जितने हो जाए अपन लगभग 150 के अक्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट थर्ड, मेटलॉइड रेडियो एक्टिव ट्रांजिशन चालकोजन, इनमें से क्या क्या आंसर होगा? क्या क्या आंसर होगा इनमें से, इनमें से कौन सा मेटलॉइड है, कौन सा रेडियो एक्टिव है, कौन सा ट्रांजिशन है, कौन सा चालकोजन है? चालकोजन मतलब ऑक्सीजन फैमिली, तो सिंपल सा है। ए बी सी या डी? ए बी सी या डी, क्या होगा आंसर? बी हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एच एल आई कोड है भाई, हमेशा घेरा कोड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, XeOF4 reacts violently with water to give what? XeOF4 reacts violently with water to give what? Reacts violently to give water with what? अब ये याद होना चाहिए ना, ये तो याद होनी चाहिए तभी आएगा। A B C या D? XeF4 की रिएक्शन वायलेंट वाटर के साथ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन से ऐसा कुछ हो जाता है, सी आंसर हो जाएगा। एस्पिरिन इन एसिटाइलेशन प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बना देता है। फिफ्थ का सी हो जाएगा। कितने लोग स्टार्टिंग से प्रेजेंट है भाई, कितने लोग अभी तक स्टार्टिंग से प्रेजेंट है, जो यहाँ पे अभी तक बैठे हुए हैं स्टार्टिंग से अभी तक यहाँ तक प्रेजेंट है? थोड़ा लंबा सेशन जा रहा है, बस अभी थोड़ी देर में खत्म कर लेंगे अपन, विद इन 15-20 मिनट्स। ओके, एनी इज देयर, पंकज इज देयर, बहुत बढ़िया भाई। जो ये डेडिकेशन आपको एंड तक ले जाना है, ईशिका, सोनू, राजेश, सिद्धांत, इक्ता, आकांक्षा, स्ट्रेंजर, ओके, प्रशांत भी है, आई वॉज लेट, ओके, भारती इज देयर, ओके, ठीक है बच्चों, बस देखते रहो सेशंस को, मजा करते रहो इन सेशंस का। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अभी लास्ट में अपन स्कोर पूछेंगे, तो बताइएगा। और तुम लोग डेली टेस्ट वेस्ट देते रहा करो, है ना, टेस्ट दिया करो, और जितना हो सके फिजिक्स केमिस्ट्री को अच्छे से बूस्टअप कर लो बच्चों, मजा आ जाएगा। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री को भी पे वर्क कर लो बहुत अच्छे से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी फिर मैं लास्ट, ओके शिवानी, ओके, कैपिलरी रेजिस्टेंस, कैपिलरी का क्वेश्चन आ गया, इज ऑन द बेसिस ऑफ, कैपिलरी एक्शन इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? कैपिलरी एक्शन किस पे होता है बच्चों, कैपिलरी एक्शन किसके ऊपर होता है? पेसमेकर, ओके, एनटीए अभ्यास में 590 प्लस आ रहे हैं, चलो ठीक है फिर तो बॉस, ठीक है, कॉन्स्टेंटली आने चाहिए, मतलब इतने तो कम से कम आने चाहिए, फिर सही है। बी सरफेस टेंशन,
1% aqueous solution of calcium nitrate has freezing point. 1% aqueous solution of calcium nitrate has freezing point what? मैं निकाल सकते हो डेल्टा टी एफ निकाल सकते हो, आई के एफ इंटू एम होता है, तो क्या होगा बी लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। स्मोक इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या होता है? स्मोक किसका एग्जाम्पल है बताओ, स्मोक किसका एग्जाम्पल है आपके हिसाब से सोचें। 8th और 9th दोनों सॉल्व करो एक साथ, फिर मुझे आंसर बताओ। 8th और 9th दोनों सॉल्व करो सारे बच्चे एक साथ, फिर मुझे बताओ। 8th और 9th दोनों एक बार में मतलब अच्छे से सॉल्व कर लो, फिर मुझे आंसर बताना। दोनों एक साथ सॉल्व करो 8th और 9th। स्मोक और इसका बताएं, इसका होगा सी। स्मोक मतलब सॉलिड एंड गैस, या गैस एंड सॉलिड बोल सकते हो, ठीक है। और इसका आएगा डी, फर्स्ट लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ बाल्मर सीरीज, फर्स्ट एमिशन लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज के बारे में बोला है। तो न्यू लेमडा क्या हो जाएगा, लाइमन बाल्मर, तो आर इन टू न्यू बार इज इक्वल टू लेमडा इन टू आर इन टू 1/लेमडा लिखते ना, z स्क्वायर हाइड्रोजन है इंटू 1 का स्क्वायर 1/N1 - 1/N2 स्क्वायर 1/4 - 1/30, तो ये आ जाएगा 5R/36 दिल्ली विल बी द आंसर। नेक्स्ट, फोटोकेमिकल स्मोक इज दिस, वाइल क्लासिकल स्मोक इज दिस इन कैरेक्टर। फोटोकेमिकल स्मोक है ये और ये है ये, बताएं इसका आंसर, बताएं जल्दी से सोचो। क्या आंसर होगा, ए, ए विल बी द आंसर। और नेक्स्ट वाले का भी ए। बीसीसी है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस फॉर अप्रोच निकालनी है भाई। वैसे बीसीसी के ऊपर कितना होता है, आर का वैल्यू होता है √3a/4, तो आपको क्या इसका वैल्यू निकालना है, √3a/2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इज √3a/2, तो सीधा आ जाएगा लगभग 200 पिकोमीटर के आसपास। ये क्वेश्चन कॉमन है, बहुत सी जगह आता है। Which of the following pairs compound is expected to exhibit same color in aqueous solution? Which of the following pairs of compound is expected to exhibit same color? A, B, C या D? A होगा, B होगा, C होगा या D होगा? बी हो जाएगा, VOCl2 एंड COCl2, Cu+2 में है, VOCl2 में निकाल लो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे, ठीक है, 1 और 1 में 9 आ जाएंगे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो बी विल बी द आंसर। आइस के केस में इनका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, HOH बॉन्ड एंगल, HOH बॉन्ड एंगल आइस के केस में, तो आइस कोई जादू की चीज थोड़ी है यार, आइस कोई जादू की चीज थोड़ी है, बॉन्ड एंगल तो लगभग 109 डिग्री के आसपास। भाई मोस्ट क्लोजेस्ट आंसर इज दिल्ली, टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम, ठीक है, इट इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम, तो दिल्ली हो जाएगा। फ्री चेंज फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज व्हाट, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फ्री चेंज क्या होगा डेल्टा जी, फ्री चेंज की वैल्यू रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या हो सकती है,
डेल्टा जी की वैल्यू, फ्री चेंज मतलब रिवर्सिबल डेल्टा जी, तो क्या होगी इसके लिए वैल्यू? जीरो हो जाएगा ना, इक्वल टू जीरो, डेल्टा जी विल बी इक्वल टू जीरो। आइसोपॉली एसिड ऑफ फॉस्फोरस, आइसोपॉली एसिड ऑफ फॉस्फोरस इनमें से कौन सा है? आइसोपॉली एसिड ऑफ फॉस्फोरस इनमें से कौन सा है? 16th, आइसोपॉली फॉस्फोरस एसिड इनमें से कौन सा वाला है? आइसोपॉली फॉस्फोरस एसिड, सोचे। डी, इट विल बी एच फोर पी टू ओ सेवन होता है, तो चार ओ एच लिंकेज होनी चाहिए, चार ओ एच लिंकेज ये रही, एच फोर पी टू ओ सेवन, दिल्ली। नहीं नहीं डी है, डी है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर, स्टार्च, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीस्टाइरीन या प्रोटीन, इनमें से नेचुरल पॉलीमर कौन सा नहीं है? Cl- माइनस लिखा है, चलो दोनों ही सिंपल है, एक साथ बता दो, 17, 18 एक साथ सॉल्व करो, 17, 18 दोनों एक साथ सॉल्व करो, स्मॉलेस्ट साइज कौन सा है और पॉलीस्टाइरीन कौन सा है, दोनों एक साथ आंसर बताओ 17, 18 का, देखिए एक ही कमेंट में आंसर डाल दो, ए बी सी या डी। टू हंड्रेड प्लस लाइक्स, ओके। गलत बोला ना, सी है, इसका सी है और इसका सी है, दोनों का सी है बच्चा, पॉलीस्टाइरीन और एम जी प्लस टू, भाई कैटाइन छोटा होगा, अब एम जी प्लस टू और एन ए प्लस में कंपेयर करना है, तो एन ए प्लस में क्या है, प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, यहाँ पे प्रोटॉन, यहाँ पे आपके 12 हैं और इलेक्ट्रॉन 10 हैं, तो बस आंसर हो गया ये, ठीक है, सी हो जाएगा। 1920, वाओ 1920, चलो आंसर बताओ। विच आर द फॉलोइंग अल्कीन्स ऑन ओजोलाइजेस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ कीटोन्स, ओनली कीटोन, तो ये रहा, ये रहा, ये रहा आपका कटिंग, केक कटिंग ये रहे, तो ओनली कीटोन बने, ओनली कीटोन, ओनली कीटोन किस किस में बनेगा बताएं? केक काटा था हमने, केक काटा था, केक काटा था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा था केक को, केक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, ए बी सी या डी? सी हुआ ना यार, सी हो गया, ये देखो ना यहां पे क्या बन जाएगा, एक तो साइक्लो पेंटेनॉन और एक बन जाएगा ये सी डबल बॉन्ड, ओ सी और सी, ये बन गए दोनों। Pyrimidine is the base present in DNA. Pyrimidine is the base present in DNA. Present in DNA. Cytosinin and thymine. Cytosinin and thymine. C answer हो जाएगा, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। Arrange in the order of increasing oxidation state. Increasing oxidation state के order में आपको arrange करना है. Oxidation state कम से ज़्यादा की ओर आपको arrange करना है. करो. ऑक्सीडेशन स्टेट कम से ज्यादा की ओर, कम से ज्यादा की ओर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में अरेंज करना है। ए बी सी या डी? सी आर ओ टू माइनस है, पहला ऑप्शन ले लेता हूं मैं, इनमें सबकी निकाल लेता हूं, सब में तो कॉमन ही है, और एम एन ओ फोर माइनस, तो इसमें तो सब जानते हैं प्लस सेवन है, इसमें एक्स माइनस एट इज गया प्लस सिक्स हो गया, ये प्लस फाइव हो गया, ये यहाँ पे प्लस थ्री हो गया, तो बस यही इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ए आंसर आ गया। एन असाइल क्लोराइड इज हीटेड विद सोडियम सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड, द प्रोड्यूस प्रोडक्ट इज व्हाट? असाइल क्लोराइड को सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के, अभी अभी रिएक्शन कराई थी मैंने, अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको आंसर बताया था इसका मैंने, अभी अभी थोड़ी देर पहले आंसर बताया था, एनहाइड्राइड बनता है, मान लो सी एस सी, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल है
और इसको मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया है, इसका सॉल्ट लिया है ओ माइनस एन ए प्लस लिया है। तो मैंने बोला था ना एन ए प्लस और सी एल माइनस एक साथ हो जाते हैं तो एसिटिक एनहाइड्राइड बना देगा, सी हो जाएगा। हाँ गलती नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है। चलो इसको बताओ, ये नहीं ये वाला बताओ पहले आप, सॉरी रुको वेट करो। हाँ ये बता, एक सेकेंड बच्चों एक सेकेंड। हाँ ये बताएं पहले 33rd, 33 एंड 34। जल्दी से बताएं इसका। हाँ बस हो गया है, हो गया है ना। लास्ट दो क्वेश्चन है, इनके आंसर बताओ और खत्म। लास्ट टू क्वेश्चंस ठीक है, फिर अपन एंड करते हैं। फिर मैं आपको उसमें भेज दूंगा है ना, इसको पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहां देख लेना। मोस्ट वॉलेटाइल कौन सा है और हाफ लाइफ ऑफ प्यूरिन, एक साथ आंसर बताओ। एक साथ बताओगे तो अलग ही सही रहता है, मतलब मजा आता है। एक साथ बताओगे ना तो सही आंसर एकदम सही लगता है, एक साथ बताएंगे तो आप लोग। ए बी सी या डी कौन सा होगा? ए, अरे गैस होता है भैया, गैस होता है, ए होगा ना सबसे ज्यादा वॉलेटाइल, तो 33rd का ए। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की ए नॉट अपॉन 2K, ए नॉट अपॉन 2K, तो ये भी ए आ गया, ये भी ए आ गया, ये भी ए आ गया। ठीक है क्लियर है, तो दोनों ए ही हो गया ना, दोनों का ए हो गया। क्लियर है, दोनों ए हुए हैं बच्चा, क्यों गलत है? क्लियर है यहां तक सब चीजें? अरे मॉलिक्यूलर मास बनता है तो सॉलिड लिक्विड गैस, CH4 मीथेन, बचपन से पढ़ते आए हैं गैस। चलो अब मुझे स्कोर्स बताओ, स्कोर्स बताओ। लगभग हमने आज कर लिए हैं लगभग 130 क्वेश्चंस के अराउंड करे हैं, तो स्कोर्स बताएं मुझे। अभी इसका पूरे का पीडीएफ मैं डाल दूंगा आपके साथ। हाँ बस है, बस हो गया है, तो अब अपन एक दो मिनट बातें करके सेशन एंड करते हैं। पहले स्कोर्स बताओ मुझे, लगभग 130 क्वेश्चन करें हमने। स्कोर्स बताएं सारे बच्चे, स्कोर्स। नॉट चेक्ड, 8 क्वेश्चन गलत थे, बस 8 क्वेश्चन गलत थे। वेरी गुड है, तो 130 में से 120 प्लस आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। 120 प्लस स्कोर ला रहे हैं तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, 120 प्लस स्कोर ला रहे हैं तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और बच्चों मैं एक चीज और सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, मेरी 1 PM पे डेली क्लास हो रही है ड्रॉपर्स बैच के लिए, ड्रॉपर्स बैच के लिए 1 PM पे डेली क्लास हो रही है। तुम लोग आके अटेंड कर सकते हो, जो टॉपिक तुम्हें वीक लगे उसको आके आप रीड आउट कर सकते हो, पढ़ सकते हो अच्छे से। डू रीड आउट ऑल ऑफ दोज टॉपिक्स ठीक है, उसको पढ़ सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई मेरा काइनेटिक्स वीक है या मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वीक है, जो भी टॉपिक आपका वीक है वो आप सब चीजें उसमें कवर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। सारे टॉपिक आप आके आराम से डिस्कस कर सकते हैं। तो आप लोग अभी देखो, अभी देखो नीट 2020 तो अभी बहुत अनसर्टेन चल रहा है, जैसे डेट्स तो वैसे भी रिलीज हो नहीं रही है अभी, तो अनसर्टेन तो है ही, अनसर्टेनिटी तो बनी ही हुई है नीट 2020 में, जैसे अनसर्टेनिटी ऑफ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल होता है ना। तो मैं तो आपको यही कहूंगा आप लोग यहाँ पे प्लस पे आ जाओ, प्लस पे पढ़ना स्टार्ट हो जाओ एक बार, बिकॉज आपको अब क्या चाहिए, एक मोटिवेशन और गाइडेंस की बहुत जरूरी बात है कि हमें डेली पढ़ने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए होना चाहिए ठीक है। तो बहुत इकोनॉमिकल प्लान्स हैं, 1 ईयर और 2 ईयर के अटेंड लो और स्टार्ट कर दो पढ़ना अभी से है ना। 1 ईयर और 2 ईयर्स के बड़े सिंपल से एकदम इकोनॉमिकल प्लान्स हैं, तो आप जल्दी से आएं और इनको अटेंड कर लें, ले लें मतलब चूज कर लें तो बढ़िया रहेगा। हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं करा चुका हूँ बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने बहुत सारी वीडियोज है मेरे, आप मेरे का नाम सर्च करो आपको मिल जाएगा। मैं अब जल्दी एक वीडियो आपके लिए लाऊंगा, आपके लिए जल्दी एक वीडियो लाऊंगा ऑन कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोएल्केन है ना, तो उसका मैं बहुत अच्छा वीडियो आपके लिए लाऊंगा जिसमें अपन एक एनिमेटेड के थ्रू थोड़ा अच्छे से समझेंगे उसको, मतलब आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस ऐसे ही समझ आ जाएगा समझ में सब चीजें ठीक है, याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कंफर्मेशन हो जाएगा, मतलब लगभग कभी कभी एक क्वेश्चन गलती से भी आ जाए
तो हमारा हो जाना चाहिए, चाहे कैसा भी आए, आए या नहीं आए, है ना, हमें वो आ जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए. तो दैट विल बी द थिंग. ठीक है. सो थैंक यू ऑल फॉर चूजिंग दिस. और जितना हो सके इन सेशंस को लाइक और शेयर करें आप लोग, जितना हो सके इन सेशंस को जितना हो सके सारे बच्चे लाइक और शेयर करें, ताकि सही रहता है ना. आप लोग लाइक और शेयर करते रहें, अपना प्यार इसी तरीके से देते रहें. ठीक है, मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चों. नेक्स्ट क्लास अपना होगा जल्दी. और डू लाइक एंड शेयर और डेली प्रेजेंट रहो. मैं प्लस क्लासेस और स्पेशल क्लासेस में आपके लिए लाने वाला हूँ स्पेशल क्लासेस. और इट्स में नीट केमिस्ट्री हर्षित सर करके टेलीग्राम चैनल है, इनको ज्वाइन कर लो. मैं इस पर PDF डाल दूंगा अभी. ठीक है, थैंक यू, बाय बाय.